السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अब लग रहा है कि आप लोग नाश्ता किए हुए हैं माशाल्लाह। तो नाश्ता करने वाले बच्चे बहुत बहुत प्यारे होते हैं, नाश्ता नहीं करने वाले बच्चे बेकार। ओके, अच्छा, नाश्ते में भी जो लोग अंडा रोटी खाने वाले, भिंडी रोटी खाने वाले, दाल रोटी खाने वाले, खिचड़ी खीमा खाने वाले, पराठा खाने वाले, ये बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। चाय बिस्किट खा रहे हैं, बेकार बच्चे। चाय बन खा रहे हैं, बेकार बच्चे। वो क्या बोलते हैं उसको, मैगी खा रहे हैं, बेकार बच्चे। खाली दो इडली खा ले रहे हैं, बेकार बच्चे। उबले हुए अंडे, माशाल्लाह, पराठे, रोटी, खीमा, खिचड़ी, ऐसे अच्छा आइटम खाना आप लोग। ओके, तो इंशाल्लाह आज के बाद से क्या करेंगे आप लोग, अच्छा नाश्ता करेंगे, मैगी खाएंगे। जल्दी जल्दी बोलना अभी तुम लोग, समझे ना, आप लोग जल्दी आंसर देना, चुप नहीं बैठना। अब हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना, थोड़ा आप भी बोलना, थोड़ा हम भी बोलते, हम क्वेश्चन करते और आप क्या करना, इंशाल्लाह आंसर दे देना। आज के बाद नाश्ता कैसे करेंगे आप लोग, पक्का ना, हर दिन ना? यस। आज के बाद पार्ले जी और चाय कौन, चाय के पार्ले जी खाने वाले कौन है? कोई भी नहीं खाते आप लोग, पक्का ना? अच्छा, चाय के साथ वो ब्रेड डुबो खाने वाले कौन है? कोई भी नहीं ना? यस, वेरी गुड, माशाल्लाह। दूध के साथ हम उबले हुए अंडे खाएंगे इंशाल्लाह, पराठे के साथ इंशाल्लाह हम भिंडी खाएंगे, पराठे के साथ हम लोग इंशाल्लाह यानी अंडा खाएंगे इंशाल्लाह। ओके, गुड बेटा। प्यारे बच्चों, हम आज एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, मैं मिसाली बेटा बनूंगा। ये किताब आपके हर एक के हाथ में है माशाल्लाह, है ना भाई? ये आप फिलहाल तो जिराक्स है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ये किताब बनेंगे इंशाल्लाह। दुआ करो कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको, ये आज हमारे हाथ में जराक्स है लेकिन किताब बन के आएगी इंशाल्लाह, और आप जैसे हजारों बच्चे इस किताब को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम कोतागौड़म भद्राचलम में हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को एक वर्कशॉप लेने जा रहे हैं, मैं मिसाली बेटा बनूंगा, और ये जराक्स इन बच्चों के हाथ में है। इस जराक्स के अंदर उर्दू भी है, रोमन भी है, है ना बेटा? उर्दू भी है, रोमन भी है। उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू पढ़ना, उर्दू नहीं है तो रोमन पढ़ना, रोमन तो सबको आती होगी माशाल्लाह, आती नहीं आती, पक्का आती ना? यस। अच्छा भाई, जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तो जो जो सेंटेंस पढ़ेंगे उसको टिक 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 करते आना आप लोग। आपके हाथ में पेन भी है, आपके हाथ में जेराक्स भी है, आपके हाथ में और नोट्स भी है। ओके, उस जो है यानी ये किताब को, ये किताब को जो है एक 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 सेंटेंस पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ओके, फिर वो सेंटेंस पढ़ने में क्या करना है, सेंटेंस क्या करना है आप लोगों को, टिक करना है। अच्छा, उस सेंटेंस के अंदर अगर कोई बात अच्छी लगी आप लोगों को, अच्छी लगी आपको बात, तो आप किस में लिखना मालूम, जो आपको एक अलग से जो नोट्स दिया गया ना, उस नोट्स में लिखना इंशाल्लाह। अब वर्कशॉप के एंडिंग में हम देखना चाहते कि कौन सबसे ज्यादा पॉइंट लिखे, समझे ना? जो सबसे ज्यादा पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंशाल्लाह हम उनको सरप्राइज देने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, अच्छा भाई, जब आप लोग यहां पर आए हुए ना, तो इस वक्त आप लोग ये पेपर ब्लैंक है, भरा हुआ है, बोलो ब्लैंक है, ये पेपर क्या है, ये ब्लैंक है। इस ब्लैंक पेपर की तरह इस वक्त यहां पर आपको बैठना है। कैसा बैठना है यहां पर आप लोगों को, एक ब्लैंक पेपर की तरह आप लोगों को यहां पर बैठना है, और इस ब्लैंक पेपर पे मैं कुछ लिखने वाला हूं। आपका जहन इस ब्लैंक पेपर की तरह यहां रहना है, और मैं उस पेपर में क्या करने वाला हूं, लिखने वाला हूं, मैं कुछ लिखने वाला हूं इंशाल्लाह। अगर ये पेपर पहले से भरा हुआ है,
यहाँ आग बैठे आप लोग, अम्मी क्या बनाया संडे बिरयानी बना, तो बोले थे बनाते कि नहीं बनाते कि अरे मेरा भाई सो रहा था, उठा कि नहीं उठा कि उन्हें खेला कि नहीं खेला कि आज मुझे क्रिकेट खेलने जाना था आज नहीं गया, यहाँ पकड़ के ला लिए मुझे, और जो है आज नानी के पास जाना था वहां नहीं गया उन पकड़ के लेके आया मुझे, आज खेलना था खेलने का मौका नहीं मिला। ओ ये सब बात अगर आपके माइंड में चल रहे तो समझो आपका पेपर ऑलरेडी क्या है, आपका पेपर भरा हुआ है। और भरे हुए पेपर कुछ और लिख सकते अपन, लिख सकते नहीं लिख सकते, तो मैं कुछ भी बोलूंगा फिर वो आपके जहनों में बैठने वाला नहीं है, आपके जहनों में बैठने वाला नहीं है। तो बेटा यहां पर जब तक हम बैठेंगे अपने जहन को क्या समझेंगे, ब्लैंक पेपर की तरह समझेंगे, और उस पेपर मैं क्या करने वाला हूं, लिखने वाला हूं। और जब पेपर पे मैं लिख के लिखूंगा तो आप जाएंगे, जाने के बाद बेटा क्या सीख कर आए आप, तो इंशाल्लाह आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो बातें आप याद है आप इंशाल्लाह उसको बताएंगे इंशाल्लाह, है ना बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे और उसके बाद टिक करते जाएंगे, और फिर आपको जो बात भी अच्छी लगी वो क्या करेंगे उसको पेपर में नोट डाउन करेंगे, वो आप तेलुगु में लिख सकते, उर्दू में लिख सकते, रोमन में लिख सकते, इंग्लिश जिसमें जा आप लिख सकते बेटा, ओके। अच्छा भाई हमें कैसे बनना है पता आप लोगों को, अच्छा ये देखो हमें कैसा बनना है मालूम आप लोगों को, अच्छा भाई ये नजर आ रहा आप लोगों को क्या है, ये पक्का आवाज़ ही बोलो क्या है ये, जहां ड्रा करना आता आप लोगों को आता, चलो अपने नोटबुक जल्दी जल्दी ड्रा करो, चलिए झाड़ ड्रा करो जल्दी फटाफट आपके नोट्स में झाड़ ड्रा करो, अब देखेंगे कौन कितना अच्छा ड्रा करता माशाल्लाह, कौन कलाकार है, ये क्या बात है झाड़ ड्रा कर रहे हैं हमारे बच्चे, देखो आप माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है, झाड़ ड्रा कर जल्दी फटाफट, बाजू वालों देखना नहीं, हंसना नहीं, बात करना नहीं, इसलिए मैं दूर दूर बैठा आप लोगों को समझे ना। अच्छा हो गया झाड़ ड्रा करना खत्म हो गया, किस किस का हुआ झाड़ ड्रा करना, वाओ ये छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे आ गए माशाल्लाह, यस हो गया। अच्छा भाई अब हम इसको थोड़ी देर समझेंगे, मैंगो ट्री, कौन सा ट्री समझेंगे बेटा इसको बोलो, आम का झाड़ समझेंगे इसको हम थोड़ी देर तक, आम का झाड़। अच्छा आम के झाड़ पे आमा लगते जामा लगते है, आम लगते आम के झाड़ पे जाम नहीं लगते, जाम लगते नहीं, हाँ देख रहे हैं आम के झाड़ पे जाम लगते कहते, ऐसा हुआ कभी नो, अब आम के झाड़ पे कभी लीमू लगते, आम के झाड़ पे कभी अंगूर लगते, आम के झाड़ पे कभी मौज लगते नहीं, तो आम के झाड़ पे क्या लगते, पक्का आम ही लगते ना, कैरियां लगते कैरियां, हाँ लगते कैरियां ओके चलो ये आम का झाड़ है भाई। अच्छा आम का झाड़ हमको क्या देता भाई, पक्का आम देता, चलो नंबर उसके नीचे आप नंबर वन लिखो, आम लिखो नंबर वन, इन्हें क्या देता है, इन्हें आम देता। अच्छा आम का झाड़ क्या देता हमको, आम देता। अच्छा और क्या देता आम का झाड़ बोलो, शैडो, गुड, हवा नहीं छाव, ओके शैडो, आम आम के झाड़ क्या देता हमको, छाव देता नंबर दो छाव, और क्या देता, हवा देता, ऑक्सीजन देता, हाँ ऑक्सीजन देता। अच्छा और क्या देता आम का झाड़ बोलो, माइंड खोलो दिमाग खोलो, यहां पर हम बुलाए आपको दिमाग खोलने के वास्ते, समझे ना, मुद्दू बन के बैठने से नहीं बुलाए, क्या क्या देता आम का झाड़, आम देता, छांव देता, ऑक्सीजन देता, और क्या देता, लकड़ी, गुड बेटा कौन बोले, शाबाश वेरी गुड, लकड़ियां, शेख मुबीन साहब आप शेख आपको चॉकलेट मंगाई, चॉकलेट्स थोड़े छोटे छोटे ओके, हाँ जो आंसर देंगे उनको मुंह मीठा करेंगे इंशाल्लाह,
ओके अच्छा लकड़ी देता, ओके लकड़ी देता और क्या देता, लकड़ियां देता, छांव तो हो गया, लकड़ी देता, हाँ पेपर, अच्छा पेपर बना सकते हो, चलो ठीक है पेपर भी देता, हाँ ओके पेपर भी देता, चलो ठीक है और क्या देता, पेंसिल, गुड मतलब सोच रहे हो ना, मतलब माशाल्लाह। देखो बेटा एक आम का झाड़ से हमको आम भी मिलते और छांव मिलती, ऑक्सीजन मिलता, लकड़ी मिलती और उस लकड़ी के जरिए हम फर्नीचर बनाते है ना भी, कुर्सी बनाते, टेबल बनाते, दरवाजा बनाते, खिड़कियां बनाते, क्या क्या बनाते, लकड़ी से बहुत सारे लकड़ी से आइटम बनाते है ना, फिर वही लकड़ी लेके भी दावत करते हम लोग, बिरयानी पकाते उस लकड़ी के जरिए, माशाल्लाह बिरयानी बनती उससे, और जो है डबल का मिठा भी जो है गर्म करके उसे बनाते, समझे ना, लकड़ियां, और उस लकड़ी से हम घर भी बना सकते, छप्पर बना सकते है ना बेटा, और जो है स्कूल बनाते, मस्जिद बनाते, घर बनाते, रूम बनाते, टेबल मेंबर बनाते, सारी की सारी चीजें हम इस जो है लकड़ी से हम बनाते रहते। और अगर आम का झाड़ रहा तो कितना अच्छा घर हमारा, माशाल्लाह घर अच्छा दिखता नहीं दिखता, हमारे घर के सामने आंगन है, आंगन में आम का झाड़ है, जबरदस्त आम लगे हुए और धीरे धीरे आम पकने वाले हैं, ठंडी ठंडी हवा आती, खूबसूरत दिखता, बहुत सारे फायदे हैं आम के झाड़ के, है नहीं है। अच्छा तो अच्छा ये इतने फायदे, एक मान लो 10 फायदे हमको दे रहा है आम के झाड़, क्या करता बेटा 10 फायदे हमको दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वो लेता क्या है पता आप लोगों को, मतलब तीन चीजें लेता है वो नेचर से, तीन चीजें लेता है, धूप लेता, पानी लेता, धूप लेता, पानी लेता और एयर लेता, हवा होना ना उसको, एयर लेता समझो आप, धूप लेता, पानी लेता और एयर लेता, ओके अच्छा तीन चीजें वो नेचर से ले रहा, लिखो आप लोग, हाँ वो धूप लेता और क्या लेता, हवा लेता, पानी लेता, तीन चीजें वो ले रहा है, कितने ले रहा है बेटा, उन्हें नेचर से कितनी चीजें ले रहा है, वो तीन चीजें ले रहा है, लेकिन हमको कितनी चीजें दे रहा है, वो 10 चीजें दे रहा, माशाल्लाह बाबा 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 बा। तो मतलब एक आम का झाड़ भी वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है, वो लेता कम देता ज्यादा, लेता कम देता ज्यादा, लेता कम देता ज्यादा, बा 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 माशाल्लाह। देखो बेटा ये आम का झाड़ भी इतना अच्छा है कि वो नेचर से सिर्फ तीन चीजें लेता है, लेकिन नेचर को ऐसे दसियों बीसियों सौ चीजें वो देता है माशाल्लाह। तो बेटा आज यहां पर आए आप लोग, और आज जब आप आए हुए हैं तो इंशाल्लाह हम इतना अच्छा पढ़ेंगे कि हम आम के झाड़ की तरह बनेंगे इंशाल्लाह, हम सबको देने वाले बनेंगे इंशाल्लाह, है ना बेटा। आम का झाड़ है, इसकी लकड़ी से फायदा है, इसके आम से फायदा है, इसकी छांव से फायदा है, इसकी हवा से फायदा है, इसकी खूबसूरती से अच्छा लगता, कितने फायदे हैं। तो वैसे हम भी इंशाल्लाह क्या बनेंगे अपनी जिंदगी में, आम की झाड़ की तरह क्या बनेंगे इंशाल्लाह, फायदा मंद बनेंगे, आम के झाड़ की तरह फायदा मंद बनेंगे, कांटे के झाड़ के जैसा नहीं बनेंगे। कांटे का झाड़ क्या करता, खाली कांटे चुभते रहता, उसके नीचे कोई बैठता नहीं, उसके करीब कोई आता नहीं, उनको कोई फल देता नहीं, समझे ना, कुछ भी लेता नहीं, तो उल्टा क्या करता उन्हें, कांटे चुभते रहता, कांटे के जैसे झाड़ नहीं बनना, आम के झाड़ से बनना इंशाल्लाह, ओके बेटा। अच्छा भाई तो हम जो है अब हम अपनी बुक को पढ़ने जा रहे हैं और इस बुक का नाम है मैं मिसाली बेटा बनूंगा, मैं आइडियल बेटा बनूंगा, ऐसा बेटा बनूंगा कि लोगा मेरी एग्जाम्पल देना। ओ क्या नाम आपका, आयमन, आयमन सही से नाम आयमन, अच्छा ठीक है आयमन, आयमन को देखे तो उनके उनकी जो है उनके पड़ोसी बोलना, उनके पड़ोसी वाले, देखो जी आयमन कितना अच्छा बच्चा है,
हमारा पोटा कैसा था हमारा पोटा आयमन कितना अच्छा है देखो, ऐसा एग्जाम्पल देना, समझे ना, नाना एग्जाम्पल देना, नानी एग्जाम्पल देना, दादा अरे हमारा आयमन भाई, हाँ ये हमारा पोतरा आयमन है, ये हमारा नवासा आयमन है, जहां भी जाओ आयमन, हमारा आयमन, हमारा ऐसा आइडियल स्टूडेंट बनना अपने को। आपका नाम क्या बेटा? डायमंड जैसा बनना है, आयमन डायमंड, माशाल्लाह। हाँ आपका नाम क्या है बेटा? आवाज से बोलो बेटा, साहिल। अब साहिल ऐसा साहिल बन जाना कि सब लोग स्कूल में साहिल इज गुड बॉय, साहिल इज गुड बॉय, साहिल गुड, प्रिंसिपल गुड बाय, टीचर गुड बाय, दोस्त गुड बाय, सब गुड बाय बोला उनको, माशाल्लाह। ऐसे बनना है इंशाल्लाह, और ऐसे बनने के लिए ये किताब को हम फॉलो कर रहे हैं। इस किताब को अगर हम समझ के पढ़ ले एक मरतबा तो इंशाल्लाह हम क्या बनेंगे? डायमंड बनेंगे, एग्जाम्पल वाला स्टूडेंट बनेंगे, एग्जाम्पल वाला सन बनेंगे, आइडियल सन बनेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा चलो पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो वो ओपन करो बुक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पेज निकालो, पहला पेज निकालो, फर्स्ट सेंटेंस, माशाल्लाह। कौन पढ़ के सुनाते फर्स्ट सेंटेंस? शाबाश, वेरी गुड। आप पढ़ो बेटा, आवाज से पढ़ो। शाबाश बेटा, वेरी गुड। क्या नाम आपका? उमान, गुमान, रुमान। अरे क्या भाई, माशाल्लाह बेटा बेटा, वेरी गुड। हाँ उमान, गुमान, रुमान, फिर नाम उनका रुमान डिसाइड हो गया माशाल्लाह। तो बेटा इस फर्स्ट सेंटेंस में सबसे पहली खूबी अच्छे बच्चे बनने की क्या बताई जा रही है? मैं जब भी किसी से मुलाकात करूंगा तो क्या करूंगा इंशाल्लाह? शाबाश बेटा, आप कितने अच्छे हैं। सबसे पहले जो प्रेजेंट होता है वो आपके सलाम से होता है बेटा। आप सलाम अगर कर रहे हैं तो समझो आपकी खूबी यहां से जाहिर होना शुरू हो गया माशाल्लाह। अच्छा मौल साहब देखिए तो सलाम अलैकुम, सदर साहब देखे तो सलाम अलैकुम, नानी भी देखे तो सलाम अलैकुम, दादी को तो सलाम। सिर्फ इनको करते अपने लोग, सबको करना है इंशाल्लाह आज के बाद इंशाल्लाह। मस्जिद में आए सलाम अलैकुम, मुल साहब मिले सलाम अलैकुम, बड़े लोग मिले सलाम अलैकुम, दोस्त मिले तब भी सलाम अलैकुम, हर एक को सलाम करना बेटा। अच्छा हम जो है जो टोपी पहनते ना उनको सलाम करते, जो टोपी पहनते उनको सलाम नहीं कर सलाम करते। अब डॉक्टर साहब है सलाम करना नहीं करना उनको? बोलो करना नहीं करना? हाँ आप डॉक्टर साहब पास चले गए, डॉक्टर साहब अगर डॉक्टर अगर मुस्लिम है तो क्या बोलना अपने को? सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बैठना। डॉक्टर साहब मेरा प्रॉब्लम यह है, मुझे कल से पेट में चक्कर चक्कर आ रही है डॉक्टर साहब, पेट में गुड़गुड़ गुड़ हो रहा डॉक्टर साहब। अब क्या प्रॉब्लम है आप उनको सुनाना, लेकिन अंदर जब एंटर होते क्या करना अपने को? सलाम करना। यस अच्छा भाई आप कपड़े का नाप देने के लिए टेलर साहब के पास चले गए और टेलर साहब मुस्लिम है तो क्या करना अपने को? आप सलाम करना। अच्छा आप स्कूल को जाते आप लोग, जल्दी कर दो भाई, स्कूल को जाते आप लोग? अच्छा स्कूल कैसे जाते आप लोग? ऑटो से, टैक्सी से, बस से, किसे जाते आप लोग? ऑटो भी जाते ना, ऑटो। आपके ऑटो चलाने वाले अगर अंकल मुस्लिम अंकल है तो क्या करना उनको? सलाम करना बेटा। हाँ अरे हम लोग जनरली ऑटो अंकल सलाम नहीं करते, गलत बात है बेटा। ऑटो ऑटो अंकल अगर मुस्लिम है तो क्या करना हमको? उन्हें सलाम करना नहीं करना? करना। अच्छा बस में जा रहे हैं आप स्कूल, बस में जा रहे हैं और अगर वो ड्राइवर साहब जो है मुस्लिम है तो क्या करना अपने को? अस्सलाम वालेकुम अंकल सलाम करना। आप स्कूल में एंटर हो रहे हैं, आपके टीचर खड़े हुए, क्या करना आपको? सलाम करना। आपकी अच्छा आपके स्कूल में आप एंटर हुए, वॉचमैन अंकल खड़े हुए हैं, वो मुस्लिम है तो क्या करना आपको? शाबाश। लेकिन जनरली ऐसा करते बेटा लोग? नहीं करते बेटा, बहुत बुरी बात है। वॉचमैन अंकल को सलाम नहीं करते हम लोग? करना चाहिए, वॉचमैन अंकल सलाम करना चाहिए। अच्छा आपकी आपके स्कूल में आयमा है, आयमा है अगर मुस्लिम है तो क्या करना उनको? हम सलाम करना। यस बेटा सलाम करना। आपके घर में काम करने वाली जो नौकरानी है उन्हों मुस्लिम है, क्या करना उनको? आप सलाम अलैकुम आंटी, सलाम अलैकुम बाजी, उनको भी सलाम करना। हम लोग बेटा सलाम सबको करना है बेटा।
हम जनरली सलाम मौल साहब को सलाम करते, टीचर को सलाम करते, अम्मी को सलाम करते, अब्बू को सलाम करते, उसके अलावा किसको भी नहीं करते हम लोग। आज के बाद से इंशाल्लाह सबको करेंगे, नहीं करेंगे इंशाल्लाह? ऑटो वाले अंकल से, ऑटो वाले अंकल को करेंगे, बस वाले अंकल को, टेलर वाले अंकल को, डॉक्टर साहब को, पक्का? अच्छा, आप जो है मोहल्ले में एक चॉकलेट लाने चले गए, क्या चॉकलेट है जी? माशाल्लाह मन छे ना, अच्छा चॉकलेट चले गए आप लोग, और वो किराना दुकान वाले मुसलमान है, तो क्या करना हम? सलाम अलैकुम अंकल, सलाम अलैकुम भाई, सलाम अलैकुम चाचा, मुझे वो मंच दीजिए ना, मुझे वो मंच 5 रुपए का मंच दीजिए ना, मुझे 10 रुपीज वाला मंच दीजिए ना, 5 स्टार दीजिए ना, मुझे वो बिस्किट दीजिए ना। अस्सलाम, पहले क्या करना अपने को? शाबाश, वेरी गुड बेटा, माशाल्लाह। देखो अल्लाह के रसूल सासन क्या फरमालूम, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं ऐसी चीज को, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। वो क्या है? आपस में सलाम करना है, हम सलाम करेंगे आपस में। अच्छा अब मान लो मैं नाम भूल गया इनका, डायमंड, डायमंड, आयमन, आयमन, आयमन जो है उन्होंने बड़े है छोटे है? उन्होंने बड़े है। अब साहिल बेटा छोटे है बड़े है? उन्होंने उठो बेटा, साहिल बेटा स्टैंड अप, आयमन उठो बेटा। अच्छा अब इनो बड़े हैं, इनो छोटे हैं, इनो छोटे बड़े को सलाम करना, बड़े सलाम छोटे को सलाम करना, बोलो छोटे बड़े को सलाम करना बेटा। अच्छा इनो नहीं करे, फॉर एग्जांपल नहीं करे तो आप छोड़ देते उनको, नहीं क्या करना आप सलाम करना। हाँ रूल के मुताबिक तो छोटे को सलाम करना चाहिए, बड़ों को सलाम करना, अगर छोटे नहीं करे तो बड़े करना। वैसे आप भी छोटों को करना बेटा, क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लम गली में चल रहे हैं, मोहल्ले में चल रहे हैं, मोहल्ले में चलते चलते छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते, छोटे छोटे बच्चे क्या करते? खेलते रहते, और छोटे बच्चों को नबी देखते तो क्या करते? उनको सलाम करते थे। तो फर्स्ट पॉइंट आज हमारी जिंदगी का रूल बनने वाला है, हमारी जिंदगी का एक जो है हमारी हैबिट बनने वाली है, और ये दिमाग में आज हम फिक्स 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 करने जा रहे हैं। आज के बाद से हम सबको सलाम करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ना बेटा इंशाल्लाह? यस। अच्छा मैं जितने लोगों को सलाम करना बोला उसके अलावा भी कौन लोग हैं जिनको हमें सलाम करना चाहिए, कौन बोलेंगे आप लोगों? मैं देखो क्या, मैं क्या बोला मालूम, ऑटो वाले अंकल को बोला, टैक्सी वाले अंकल को बोला, डॉक्टर को बोला, और वो टेलर को बोला, दुकान वाले को बोला, हाँ, और आयमा को बोला, वॉचमैन को बोला, ये सब बोला होने, ये तो माइंड में आ गया आप लोगों के। इनसे हट के भी जिसको लोग छोटा समझते नहीं करते वो कौन लोग हैं? आपका माइंड क्या काम करा? हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड, चलो उठो आप। गरीबों को सलाम लोग आमतौर पर नहीं करते, अब हम क्या करेंगे इंशाल्लाह? गरीबों को सलाम करेंगे इंशाल्लाह। और लोग किसको नहीं करते जनरली, सोच के बोलो, एकदम यूनिक रहना हो जैसा मैं बोला आप लोगों को। अम्मी अबू नहीं करते? करते ना जी। दुश्मन को सलाम नहीं करते? बेटा वेरी गुड माशाल्लाह। हाँ दुश्मन को जनरली सलाम नहीं करते लोग। आज आज पर हम क्या करेंगे? हाय कोई दुश्मन आपके? कोई भी नहीं है आप, कोई दुश्मन है बेटा आपके? नहीं, फिर भी बोला बोल साहब। हाँ तो इंशाल्लाह आज पर क्या करेंगे हम लोग? दुश्मन को भी सलाम करेंगे। कोई हमसे दुश्मन नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम। सलाम अलैकुम अंकल, सलाम अलैकुम भाई, सलाम अलैकुम दोस्त करेंगे। अच्छा और किसको नहीं करते जनरल लोग? गैरों को बोले तो, नॉन मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा बोलना, अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलना उनको। अस्सलाम का वर्ड ये ईमान वाले के लिए, अस्सलाम का वर्ड ईमान वाले के लिए। ओके नेक्स्ट, पड़ोसी अंकल को नहीं करते लोग? आज बेटा वेरी गुड माशाल्लाह, आज के बाद से हम पड़ोसी अंकल को भी सलाम करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के बाद से हमारी हैबिट बिल्ट होने वाली है कि हम सब क्या करेंगे इंशाल्लाह? सलाम करेंगे। घर में जाएंगे क्या करेंगे आज? पक्का करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आज एक ही दिन करके छोड़ना, हर दिन करना? शाबाश माशाल्लाह। देखो आप जहन बदलते जा रहा है, समझ में आ रहा है उनको। आज के बाद इंशाल्लाह सबको हम क्या करेंगे?
सलाम करें। क्यों? आपके सलाम से आप कितने प्यारे हैं लोगों को समझ में आता, कितने प्यारे हैं आपको समझ में आता, लोग आपसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। अच्छा, आपसे मोहब्बत करना दुश्मनी करना, करना नहीं करना, आपको चाहना नहीं चाहना, आपकी तारीफ करना नहीं करना, तो सलाम करना आप लोग, अगर आप सलाम करना शुरू करें तो सब लोग क्या करेंगे? आपसे मोहब्बत करेंगे। और हर आदमी को मोहब्बत चाहिए, हर आदमी को मोहब्बत चाहिए, नफरत नहीं चाहिए। तो टिक मारो पहले सेंटेंस को। और इस ये पूरे बातें बोला मैं, इसमें कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो लिख लेना, खाली घूर के देखते नहीं बैठना। शेख आप ऐसा बोल रहे हैं, वो लिखने में माइंड ही नहीं जा रहा हमारा है ना, आप ऐसा बोल रहे हैं कि लिखने की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें भी क्या करना आप लोग, बीच बीच में पॉइंट लिख लेना आप लोग। हाँ, सिर्फ घूर के देखते बैठ रहे, घूर के देखते बैठ रहे, इतना अच्छा बोल रहे मौल साहब, खाली समझे ना, उसमें पॉइंट लिख लेना बैठा। जिसके पॉइंट ज्यादा रहेंगे सरप्राइज रहेगा उनको इंशाल्लाह माशाल्लाह। यस, फर्स्ट पॉइंट टिक कर लिया आप लोग, टिक कर लिए, गुड बेटा, वंडरफुल माशाल्लाह। सेकंड पॉइंट कौन पढ़ेंगे सर आप लोग? आप पढ़ो, चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट, शाबाश, कितना प्यारा बच्चा माशाल्लाह, वंडरफुल बेटा, बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह। तो आज सिर्फ सलाम एक आधा हिस्सा हुआ, लेकिन पूरा कंप्लीट हिस्सा क्या है? हाथ भी मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, हाथ भी मिलेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं मिलना, मौल साहब इधर आइए, आइए इधर आइए, ऐसा ऐसा, ये क्या है यार ये कुछ लोग ऐसा मिलता है, ऐसा कैसा मिलना चाहिए? ऐसा 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 मिलना, ऐसा 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 नहीं अच्छा ऐसा करते फिर, अच्छा ऐसा करते, ऐसा देखो देखो, ऐसा करते, ऐसा करते, फिर ऐसा करते, ऐसा करते, अरे एडवांस, नो नो नो, सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं करना है। कितना करना है वो खाली हमको बेटा? खाली बस इतना करना है आपने इंशाल्लाह, मुसाफा करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बेटा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर ऐसा मुसाफा करते ना, ये जितनी देर में हम करके छोड़ते नहीं आता, तब तक हमारे दोनों को छोटे छोटे गुनाह अल्लाह क्या करने वाला है? माफ करने वाला है। बा, बा, बा। हाँ, ऐसा नहीं करना, फिर ऐसा करके, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा ऐसा नहीं करना, वो भी गलत है। देखो ऐसा करके, जी 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 जी, वो भी गलत है, समझे ना, ये ऐसा मिलना भी गलत है, फिर ऐसा ऐसा मिलना भी गलत है, मिल के फिर ऐसा करना भी गलत है, हाँ मुआ करना भी गलत है सब गलत है बेटा, ऐसा नहीं करना। अच्छा, फिर कैसे करते मालूम? रिश्तेदारों पर चले गए जाके, अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम दादी जान, अस्सलाम वालेकुम खाला जान, अस्सलाम वालेकुम अंकल, सब क्या से सेपरेट सलाम करते लोग समझे ना, सेपरेट इंस्टॉलमेंट में, इनको थोड़ा, इनको थोड़ा, इनको थोड़ा, इनको थोड़ा, नहीं सबको मिलके एक सलाम करना है। ओके बेटा, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कितने क्या मिले? 10 ने क्या मिलते हैं, बाबा 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 माशा, अस्सलाम वालेकुम कितने क्या मिले? वरहमतुल्लाह 20, वबरकातुहु 30, माशाल्लाह। सिर्फ एक बार अगर हम सलाम कर लिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकात, कितने क्या मिले हमको? 30 नहीं क्या मिले माशाल्लाह। यस, तो सलाम का दूसरा पार्ट, दूसरा कंप्लीट पार्ट क्या है बेटा? मुसाफा करना है। क्या करना है? मुसाफा करना है। तो आज के बाद से मुसाफा करेंगे हम लोग इंशाल्लाह जी, गुड। मुसाफा एक हाथ से करना चाहिए, दो हाथों से करना नबी से साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल क्या करते थे? एक हाथ से। अब अगर एक हाथ से करे तो चिचा दादा दादी यहूदी को सलाम करते क्या? आरोप यहूदियों का सलाम एक हाथ सलाम करना, मुसलमानों का सलाम ऐसा होता दो हाथों से होता, गलत बात। अल्लाह के रसूल एक हाथ ही सलाम से मुसाफा करते थे, समझे ना, दो हाथों से अल्लाह के रसूल मुसाफा नहीं करते। हम कितना करना है इंशाल्लाह? एक हाथ से करना है। हल्लो मिलना है, अच्छा मिलना है अपने को, आहिस्ता हल्लो मिलना है, अच्छा मिलना है, जी जल्दी बोलो, अच्छा मिलना है, ऐसा मोहब्बत नजर आना बोला मुसाफा करे तो, समझी? ओके, कितने पॉइंट हो गए हमारे? दो पॉइंट हो गए माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। आज से हम पहला काम क्या करेंगे? सलाम। दूसरा काम क्या करेंगे? पक्का ना इंशाल्लाह? यस, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट कौन पढ़ने वाले? चलो बेटा आप पढ़ो जल्दी फटाफट, थर्ड पॉइंट।
शाबाश। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कब बोलना बेटा? कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, क्या बोलना है? अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर से बुखार है, फिर पूछे आप कैसे हैं, क्या बोलना आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। पेट में दबा के दर्द है, कैसे है बेटा बोले, क्या बोलना आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। फुल दबा के सरदर्द है, कैसे है बेटा, क्या बोलना? शेख पेट में दबा के दर्द हो रहा, सर में दबा के दर्द हो रहा, दांतों में दबा के दर्द हो रहा, फुल 104 बुखार है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। हाँ फिर भी अल्लाह की तारीफ ही छे। अल्लाह सिर्फ इतना पेट में दर्द रखा, पूरा बॉडी ला सकता था ना, नहीं लाया, अल्लाह की तारीफ है। सर में दर्द हो रहा, खाली सर में छोड़ा, पूरी बॉडी में हो सकता था, नहीं हुआ ना, अल्लाह की तारीफ है। तो आप खाना खा लिए बोलो, तो क्या बोलना आपको? पानी पी लिए भाई, सो गए आप, अच्छा हर काम जो भी काम अच्छा करते आप क्या करना उसको अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। हाथ से बोलेंगे इंशाल्लाह बेटा, शाबाश वेरी गुड। अच्छा माशाल्लाह कब बोलेंगे? कोई चीज अच्छी दिखी आपको तो क्या बोलना आपको? माशाल्लाह। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप आओ बेटा, इधर आओ जल्दी आओ फटाफट, क्विक आज क्विक रहना। यस हाँ, इन आपका नाम क्या है? अजमत। हाँ, अजमत आप भी आओ जल्दी आओ जी, जल्दी आओ। अच्छा मतलब चुमटियां पकड़े, देखो तो इस नहीं होता होता, लेकिन ये क्यों होता मालूम? बस क्या है, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? मोइजुद्दीन। इनका नाम अजमत है, इनका नाम क्या है? मोइजुद्दीन। अब मोइज भाई जो है जबरदस्त माशाल्लाह साइकिल लिए, नई साइकिल लिए, रेंजर साइकिल लिए, समझे ना? आपकी साइकिल क्या है? रेंजर, जबरदस्त एक 15,000 साइकिल लेकर आए उन्होंने, समझे? आप स्कूल जाते कॉलेज जाते, स्कूल जाते कॉलेज जाते, आप कॉलेज जाते ना, कॉलेज को जबरदस्त रेंजर साइकिल लेके आ गए माशाल्लाह। अब इनो अजमत भाई देख के, अरे यारो साइकिल ले आ रहा इन्हें, पंचर होती साइकिल देखो इसकी, पंचर होती देखो साइकिल इसकी, टूट जाती साइकिल देखो इसकी, खराब होती साइकिल, घूम जाती देखो इसकी, अंदर से जलन हो रही, जलन होती लोगों को, तो जलन नहीं होना। देखिए माशाल्लाह मोइज भाई कितनी जबरदस्त साइकिल है आपकी, खुश होना हम लोग, दूसरों की अच्छाई को देख के हमें क्या होना चाहिए? बेटा आप बैठ जाओ, चेयर बैठो, चेयर बैठो, चेयर बैठो, चलता ना। हाँ तो दूसरों की अच्छाई को देख क्या बोला आपने को? माशाल्लाह बोलना, जलन नहीं होना। इन्होंने जबरदस्त माशाल्लाह मोबाइल लिए, समझे ना, इनका मोबाइल देखिए ना, क्या बोलना? माशाल्लाह बोलना। इन्हों जबरदस्त स्कूल को जाते कॉलेज जाते जबरदस्त बैग लेकर आए, नई बैग लेकर आए, इन्हों क्या बोलना इनको देख के? माशाल्लाह बोलना। अच्छा इन दोनों भी मान लो क्लासमेट है, एक क्लासमेट इनके मार्क्स जो है 95 आ गए, इनके 85 आ गए, तो आप क्या बोलना इनको? माशाल्लाह बोलना बेटा। तो दूसरों की अच्छाई को देख के क्या होना अपने आप में? खुश होना, माशाल्लाह बोलना। दूसरों के सॉक्स अच्छे, शूज अच्छे है तो क्या बोलना? माशाल्लाह। दूसरों की बैग अच्छी है तो क्या बोलना? दूसरों की घड़ी अच्छी है तो क्या बोलना? दूसरों के पास साइकिल अच्छी तो क्या बोलना? माशाल्लाह बोलना बेटा। जलना नहीं, जलन नहीं होना, खुश होना और माशाल्लाह बोलना। आ रहा बेटा समझ में? शाबाश वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा उनके अब्बू जबरदस्त, उनको क्या करे मालूम? आपके पसंद की चीज क्या है बोलो, क्या है? समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप लोगों के सबसे सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज है आपको, जल्दी बोलो जी। हाँ नहीं समझा मैं, कद्दू खीर। कद्दू खीर। अच्छा इनको कद्दू खीर पसंद है, और आप लोग क्या पसंद है जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, टाइम बहुत हो जा रहा। आईफोन, आईफोन न्यू जनरेशन आईफोन 14, आईफोन 13। हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, वंडरफुल। मान लो इनको अल्लाह ताला आईफोन दिला दिया, दुआ करो, बोलो दुआ, दिल बड़ा करो जी, दिल बड़ा करो, अल्लाह इनको आईफोन। देखो दिल नहीं निकल रहा था बोलों का, दिल नहीं बोल रहा था बोलों का, हाँ यहाँ गड़बड़ है, यहाँ फॉल्ट है, दिल बोलना अल्लाह इनको आईफोन दिला दे, बोलो
आमीन बोल रहे खाली, फिर भी दिल नहीं बोल रहा इनको बोलना, समझे ना। तो अब इनको आईफोन मिल गया तो देख के जलते या माशाल्लाह बोलते, माशाल्लाह बोला बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यह हमारी नेचर बन जाना, हमारी फितर बनना इंशाल्लाह। ओके ओके गुड माशाल्लाह। इंशाल्लाह कब बोलेंगे हम लोग, जो चीज बाद में करने वाले हैं उसके बारे में क्या बोलना हम लोग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आज से हर दिन नमाज पढ़ेंगे, हर दिन अच्छा खाना खाएंगे, हर दिन गुस्ल करेंगे, हर दिन सलाम करेंगे, शाबाश बेटा। कोई भी हम काम करने वाले उसके बारे में क्या बोलना हम लोग, इंशाल्लाह बोलना। हम अच्छे बनेंगे, शाबाश वेरी गुड, इंशाल्लाह तब बोलना। जजाकल्ला कब बोलना, जजाकल्ला हाँ क्या बोलना, आप आओ जल्दी आओ। अब देखो मैं इनको दिया क्या बोलना आप मुझे, जज़ाकअल्लाह वेरी गुड माशाल्लाह। तो कोई भी आदमी आप पर एहसान करता है तो क्या बोलना आप उसको, जज़ाकअल्लाह। अच्छा भाई आप बैठ जाओ बेटा, इधर आओ, जल्दी 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 आओ। इनके पास जो है क्या बोलते इसको, इन पास पेन नहीं थी, इनके पास क्या थी, पेन नहीं थी। हम दोनों क्लासमेट आए, मैं क्या करा इनको क्लास में पेन दिया, ओके पेन दिया, पेन लिखे लिखे वापस कर रहे नो, तो क्या बोलना आप, जजाकल्ला बोलना बेटा। हम किसी की पेन लिए लिखे वापस करे तो क्या बोलना है, जजाकल्ला। इन्हों मेरे पास पेंसिल लिए वापस करे तो क्या बोलना, जजाकल्ला। अच्छा इन्हों मेरे पास जो है, हम दोनों क्लासमेट है भाई, आज बाजू बैठे थे, इन पास पानी की बॉटल खत्म हो गया था, मेरा पानी की बॉटल लेके यूज करे नो और लेके वापस कर क्या बोलना इन्हों, जजाकल्ला बोलना। अरे समझ में, अच्छा मेरे पास जो है क्या था मालूम, मैं क्लासमेट आए हम, मेरे पास ये था मेरे पास, ये किस था मेरे पास, ऐसा मैं दिया, क्या बोलना आप, शाबाश, समझे ना। आधा क्या करना, आधा हम खाना, आधा इनको दिए, क्या बोलना आप मुझे, पक्का ना। अच्छा मैं दिया इनको, देने के बाद अरे देने के बाद, उसके बाद कल दूसरे दिन इनके पास एक बड़ा चॉकलेट था, बड़ा इनके पास था, मेरे को दो ना रे, मैं कल दिया ना तुमको, मैं कल दिया था नहीं, मुझे दियो ना, मैं देता हूं तो वापस फिर मांगने की उम्मीद नहीं रखना। तो आप मुझसे आधा लिए तो क्या बोलना आपको, जज़ाकअल्लाह बोलना। रबर यूज करे क्या बोलना आप, पानी यूज करे क्या बोलना आप, मेरे नोटबुक्स आप लेके लिखे वापस करे क्या बोलना आप, शाबाश बेटा, इसको बोलते जज़ाकअल्लाह, बोलेंगे ना इशारा बेटा, पक्का पक्का बोलना भाई, झूठ नहीं बोलना, बोल दे रहा हूं। अल्लाह घर बैठे हम लोग आज के बाद से ये हैबिट हमारी नेचर बन जाना इंशाल्लाह, ये हमारी हैबिट क्या बन जाना, नेचर बन जाना इंशाल्लाह। यस बेटा वेरी गुड। तो जज़ाकअल्लाह पढ़े, कितने पढ़े पॉइंट इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह कब बोलना है, कोई अच्छा कम हुआ तुम, और माशाल्लाह कब बोलना है, अच्छी दिखे तो, इंशाल्लाह कब बोलना है, कोई चीज हम करने वाले तो, और जज़ाकअल्लाह कब बोलना है, शाबाश बेटा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप उस, आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपको लिफ्ट दिया उतर दो, क्या बोलना आप लोगों को, जज़ाकअल्लाह बोलना। अच्छा आप जो है क्लास में है और टीचर जो है वो, आप साइंस के टीचर पढ़ा रहे थे, आपको जबरदस्त समझ में आ गया, टीचर जा रहे हैं क्लास के बाद बेल होने जाते हैं, क्या बोलना आप लोगों को, बोलो बेटा जज़ाकअल्लाह बोलना। हर टीचर को जज़ाकअल्लाह मैम, जज़ाकअल्लाह सर, आप बोलते रहे ना, आज के बाद अगर आप बोलेंगे ना इंशाल्लाह आप मिसाली बच्चे बनेंगे इंशाल्लाह। क्या बनेंगे आप इंशाल्लाह, मिसाली बेटे बनने वाले इंशाल्लाह। ओके कितने पॉइंट पढ़े हम लोग, तीन पॉइंट पढ़े। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट कौन पढ़ने वाले है, वाओ अच्छा ये कितने है, ये सबके हाथों में दे दो, ये सबके हाथों में दे, और ये लोग इसमें अपना नाम लिखो,
नाम लिखना हाँ सबको दे दो, उसमें नाम लिखना है उनका, अपना नाम लिख लो बेटा, एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह है ना। हाँ अरे तोड़ना नहीं ओके उसके बाद पॉइंट कौन पढ़ने वाले हैं आप लोग, आप पढ़े ना बेटा अभी, नहीं दूसरे पढ़ना, दूसरे यस नेक्स्ट, और कोई नहीं पढ़ेंगे आप लोग, अरे पढ़ो भाई उठो चलो स्टैंड अप। अच्छा बेटा शाबाश बेटा, वेरी गुड। पॉइंट नंबर फोर, जब कभी नुकसान हुआ, जब कभी लॉस हो गया, जब कभी कुछ भी हमारा फॉल्ट हो गया तो क्या बोलना अपने को, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। आप स्कूल चले गए और स्कूल जाने के बाद आप बैग खोल के देखे उसमें पेंसिल नहीं है, क्या बोलना आपको, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। आप स्कूल चले गए आपका टिफिन गुम गया, क्या बोलना आपको, आपका बिस्किट गुम गया, क्या बोलना आपको, आपके जूते गुम गए, क्या बोलना आपको, आप कंपास बॉक्स गुम गया, क्या बोलना आपको, आपके पास जो है पांच रुपए का सिक्का था, पांच रुपए का गुम गया, क्या बोलना आपको, आपका पानी का बॉटल नीचे गिर के फूट गया, क्या बोलना है आपको, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। घर में कोई इंतकाल करेगा, क्या बोलना आपने को, इन्ना लिल्लाह। कोई चाचा ताया फुप्पा खालू नाना नोना नोना कोई इंतकाल करके, क्या बोलना आपने को, इन्ना। कोई दोस्त का इंतकाल हुआ, क्या बोलना आपने को, कोई मोहल्ले में इंतकाल हुआ, क्या बोलना हमको, इन्ना। जब कभी कोई नुकसान होता क्या बोलना बेटा अपने को, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन पढ़ना। अच्छा पूरा पढ़ के सुनो, किसको आप देखेंगे, अब देखो इन्ना इन्ना लिल्लाही, इसका इसका समझो भी, हाँ इन्ना हम सब, लिल्लाही अल्लाह के लिए, हम सब किसके हैं, अल्लाह के हैं। इन्ना इन्ना हम सब, लिल्लाही अल्लाह के हैं, हम सब किसके हैं, अल्लाह के हैं। व इन्ना और हम सब, इलैही राजिऊन उसी की तरफ वापस लौट कर जाने वाले हैं। हम सब किसके हैं, अल्लाह के हैं। हम सब कहां जाना है, अल्लाह के पास जाना है। हम सब अल्लाह के हैं, बोलो तो, ये मेरा पानी का बॉटल गुम हो गया, ये किसका है, ये अल्लाह का है, ये किसका है, अल्लाह का है, खलास। पेन गुम गई, तो पेन किसकी है, अल्लाह की है। बिस्किट गुम गया, बिस्किट किसका है, अल्लाह का है। आपका जो है टिफिन गुम गया, किसका है वो, अल्लाह का है। आपके जूते गुम गए, किसके हैं वो, अल्लाह ताला के। तो जो गुम जाता, जो लॉस हो जाता, जो इंतकाल होता, क्या बोलना हमको, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन पढ़ना है बेटा। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह आज के बाद। आपका 10 का नोट गुम हो गया तो पक्का ना, आपका चॉकलेट गुम हो गया तो पक्का ना इंशाल्लाह। वेरी गुड बेटा, माशाल्लाह वंडरफुल। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, चलो कौन पढ़ेंगे आप लोग, जल्दी बेटा फटाफट बेटा, कोई बेटा चली, कोई भी एक पढ़ो। शाबाश वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छी चीज हम देखें तो क्या बोलना है, माशाल्लाह। जबरदस्त घर देखे क्या बोलना आपको, जबरदस्त गाड़ी देखे क्या बोलना आपको, जबरदस्त कार देखे क्या बोलना आपको, जबरदस्त क्या बोलते हैं उसको, केक देखे आप क्या बोलना आपको, जबरदस्त मिठाई देखे क्या बोलना आपको, जबरदस्त दावत देखिए आप, जबरदस्त बिरयानी की चिकन बिरयानी बनी हुई माशाल्लाह, हाँ तो क्या बोलना अपने को, माशाल्लाह। हर अच्छी चीज पे क्या बोलना अपने को, माशाल्लाह। बोलेंगे आप इंशाल्लाह, वेरी गुड बेटा माशाल्लाह। चलो उसके बाद वाला पॉइंट कौन पढ़ेंगे। अच्छा नाम लिख लिए आप लोगों, नाम लिख लिए, मुबीन भाई सबके वो जमा करो, इधर लेकर आओ, हाँ ले लो काउंट, इधर लेके आओ पूरा को भी, यस चलो जल्दी फटाफट जमा करो, जो नाम लिख दिए वो जमा करो उसको, नाम लिखे तो दे दो। अच्छा खैर चलो जो है बस उतना ले लो बस। ओके उसके बाद वाला पॉइंट कौन पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद वाला पॉइंट कौन पढ़ेंगे। देखो भाई आप लोग नहीं पढ़ रहे, आप लोग बेकार बच्चे बोलते फिर हम लोग, जल्दी कौन पढ़ना चाह रहे हैं उसके बाद वाला पॉइंट, चलो बेटा पढ़ो। कोई मेरी मदद करे जो इकरे
शाबाश, वेरी गुड बेटा, कोई हेल्प करे इनकी तो क्या बोलेंगे हम लोग इंशाल्लाह, शुक्रिया अंकल आपको कोई लिफ्ट दिए, क्या बोलना आपको, आप कोई हेल्प करे क्या बोलना आपको, शुक्रिया वाला बोलेंगे ना इंशाल्लाह, वेरी गुड बेटा, हमें शुक्रिया अदा करना। क्या मालूम अगर शुक्रिया अदा करे तो और नेमतें हमको मिलते रहते, अगर शुक्रिया अदा नहीं करे नेमतें खत्म हो जाते, खलास होते, नेमत हमको नहीं मिलते। और अच्छा भाई अब ये जो जितने भी नामा है ना, इसमें से कोई एक नाम उठा के पूछूंगा, उन्हें पढ़ना, समझे ना, ऐसा रहता। इसके बाद अब जिसको मैं नाम या देखूंगा उन्हें पढ़ना है अब, क्योंकि ऐसे पढ़ो तो नहीं पढ़ रहे तुम लोग। अब देखो मैं बिस्मिल्लाह ऐसा उठा रहा हूं, वाओ जीशान, कौन है जीशान, शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब कैसे पढ़ते देखो आप, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, वेरी गुड माशाल्लाह। अगर कोई चीज मुझे पेश कर क्या बोलूंगा मैं, बारकल्ला, बारकल्ला मतलब अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। मैं बिस्किट दिया क्या बोलेंगे आप, जीशान बेटा मैं आपको, आओ इधर, मैं आपको मीठा मीठा चॉकलेट दिया, क्या बात है, क्या बोलेंगे आप, शाबाश वेरी गुड, बारकल्ला बोलना माशाल्लाह, चलो बेटा बैठो। तो बारकल्ला कहें जब भी कोई आपको अच्छी चीज कोई पेश करे, आप क्या बोले आपको, बारकल्ला। पानी दिए तो क्या बोले आपको, बारकल्ला। चॉकलेट दिया आपको, बारकल्ला। पेन दिया आपको, बारकल्ला, वेरी गुड माशाल्लाह, बारकल्ला फिकुम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने के लिए नाम उठा रहे हैं, कौन पढ़ेंगे भाई, माजिद, कौन है माजिद, शाबाश बेटा क्या बात है माशाल्लाह, पढ़ो बेटा माजिद। शाबाश बेटा, देखो हमसे तकलीफ होती नहीं होती, होती दिन रात, सुबह शाम तकलीफ होती रहती, मुझसे तकलीफ होती दूसरों को, क्या करना है मुझे, सॉरी बोलना है, माफी मांगना है आपको। अच्छा भाई जनरली तकलीफ किससे होती, आप बोलो कैसा होती, कौन बोलेंगे आप लोगों में से, हाँ उठ के ठहरो, बोलो तकलीफ किस, जिस आपको दूसरों से तकलीफ होती तो कैसा होती वो बोलो, दूसरों से, हाँ जब कोई बुरा भला आपको बोले तो क्या होती आपको, तकलीफ होती, कैसा बुरा भला बोलते बेटा जनरली लोग, गालियां दिए, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा करे तो क्या दिखता आपको, तकलीफ होती बेटा, है ना। तो आपको तकलीफ हुई दूसरों से तो उन्हें क्या मांगना चाहिए आपसे, शाबाश। अच्छा आपसे दूसरों तकलीफ हुई, आप माफी मांगते ना, इंशाल्लाह पक्का मांगते ना, वेरी गुड माशाल्लाह बेटा। जनरली लोग माफी नहीं मांगते, अकड़ के रहते, माफी नहीं मांगने वाला बहुत बेकार आदमी है, और माफी मांगने वाला सबसे बड़ा आदमी माशाल्लाह। आपसे तकलीफ हुई क्या करना आपको, सॉरी। आपके बाजू वालों को तकलीफ हुई क्या बोलना आपको, सॉरी। कोहनी लगी क्या करना आपको, सॉरी। लेकिन हमारे बच्चे से नमाज उठाते ऐसा मारते रहते, ऐसा खुंदलते रहते, ऐसा मार के ऐसा फिर आते, तकलीफ देते हम लोग, गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमसे किसी को तकलीफ नहीं होना, अगर हुई तो क्या करना हमको, माफी मांगना है, किसी को तकलीफ ना इंशाल्लाह। अच्छा हम लोग क्या करते मालूम, झाड़ू देते, झाड़ू देके अंदर पूरा कचरा लाके बाजू वालों को ढकेल देते हम लोग, अम्मा मामा क्या लोग आए भाई, समझे ना, दूसरे घर से लग जमा करते। तो ये अच्छा काम बुरा काम, बुरा काम। हम लोग अपनी अपने बेंच पे अपने टेबल पे जो है वो पेंसिल छिले छिलके गिरा तो ऐसे बाजू ढकलते हम लोग, गलत बात, बाजू वालों पर ढकलते गलत बात। अपनी बैग, अच्छा बैग हटा, ऐसा बैग है ना, बैग मेरे पास, मेरी बैग मेरे उसमें, मेरी बैग उठा के उनको जगह रख दो, उनको ऐसा हटा, ऐसा गलत बात बेटा, समझे ना। अपने अपनी गाड़ी हमारे घर के सामने पार्क नहीं करता हूं, मैं सामने के पास पार्क करता हूं, मेरी जगह खुली देखना, उसकी जगह भरी हुई देखना, गलत बात बेटा, समझे ना, गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम तकलीफ हो रही हमसे तो क्या करना है हमको, माफी मांगना है। उसके बाद और कौन पढ़ेंगे हम देखना चाहे, इरफान, हुई इरफान गुड बॉय माशाल्लाह, देखो आप कितने अच्छे बच्चे इरफान माशाल्लाह, यस बेटा उसके बाद पढ़ो, अगर कोई मुझ पर शाबाश, कोई भी हम पर एहसान करे तो क्या करेंगे हम इंशाल्लाह, जजाकल्ला जजाकल्ला। क्लास में अच्छा समझ में आपको टीचर क्या बनना, आप जजाकल्ला।
आपके पीटी टीचर अच्छा खिलाए आपको, जजाकल्लाह। आपके आईएमए क्लास को बिल्कुल नीट करके चले गए, जजाकल्लाह। घर में काम करने वाली खादिमा एकदम जबरदस्त नीट धो के चले गई, जजाकल्लाह। मौजिन साहब देख आप मस्जिद में आए, मौजिन साहब परफेक्ट सब साफ साफ रखे थे, क्या बोला मौजिन साहब को, जजाकल्लाह मौजिन साहब आपने बहुत अच्छा साफ किया, जजाकल्लाह। और आप जो है मतलब जुमा में आए थे, मौल साहब खुतबा बहुत अच्छा दिए, जाते क्या बोलना आप लोग, जजाकल्लाह शेख आपने बहुत अच्छा खुतबा दिया माशाल्लाह। नमाज पढ़े मौल साहब बहुत अच्छी आवाज से नमाज पढ़े, जजाकल्लाह मौल साहब आपकी आवाज बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। समझे बेटा, हर एक को आप जजाकल्लाह बोलना, जिससे भी आपको अच्छा लगता क्या बोलना अपने को, जजाकल्लाह बोलना है। वेरी गुड बेटा, बैठो बेटा माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। अच्छा उसके बाद वाले कौन पढ़ेंगे, वफीक, कौन है वो वफीक, माशाल्लाह क्या निकल रहा है नामा देखो माशाल्लाह। वफीक पढ़ो बेटा उसके बाद सेंटेंस, गौर से सुनूंगा बेटा। अच्छे बनने के लिए हमें गौर से सुनना जरूरी है, अगर गौर से नहीं सुने तो हम कभी अच्छे नहीं बन सकते बेटा। हर बात जो हमको सुनाई जा रही गौर सुनना है, क्लास में गौर से सुनना है, खुतबे में गौर से सुनना है, प्रोग्राम में गौर से सुनना है, अब्बू की बातें गौर से सुनना है, अम्मी की बातें गौर से सुनना है, मुल साहब की बातें गौर सुनना है, बड़ों की बातें गौर सुनना। जो गौर से सुनता वो जिंदगी में बहुत आगे जाता, जो गौर से नहीं सुनता वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता बेटा। आ रहा समझ में, हम क्या करेंगे आए तो इंशाल्लाह गौर सुनेंगे। जितना गौर सुनते क्लास में वो टीचर उससे ज्यादा मोहब्बत करते। आप आजमा के देखो, आप क्लास में बैठे हुए टीचर की बात को गौर से सुन रहे, नोट कर रहे, सुन रहे, नोट कर रहे, तो वो टीचर हमको ज्यादा चाहते। अगर हम नहीं सुने, इधर बातें करे, इधर बातें करे, वो ढकले, ये ढकले, वो ये करते, टीचर हमको नहीं चाहते। तो अब हम क्या करेंगे इंशाल्लाह आइंदा से हर बात हम सुनने, जब सुनेंगे तो गौर सुनेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड माशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप कौन पढ़ेंगे पता है आपको इंशाल्लाह, कौन है भाई अरशद, कौन है अरशद। चलो बेटा माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे माशाल्लाह, पढ़ो बेटा। वेरी गुड माशाल्लाह, दो आदमी बात कर हम जाकर बीच में नहीं टपकना, बीच में नहीं टपकना, उन दोनों को बातें कंप्लीट हो तब हम बात करना उसे, इन बात कर रहे बीच में आके हम शुरू कर दिए, गलत बात। दोनों जब खामोश बैठे तो हम बात करना नहीं, अगर अर्जेंट करना है सॉरी प्लीज मुझे एक बात बोलना है, प्लीज मुझे एक बात बोलना है, आप उनको रोक के तब आप बात करना बेटा। और आ रहा समझ में, बीच में कोई बात नहीं करना, अगर करना चाह रहे हैं तो उन दोनों की बातों खत्म होने का वेट करना, अगर खत्म नहीं हो रहे तो क्या करना अपने को, बीच में क्या करना है उनको परमिशन लेना है, मैं आपसे सॉरी एक्सक्यूज मी सॉरी प्लीज बराए मेहरबानी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, उनको बोल के बात करना। बहुत अच्छे बच्चे बेटा, वंडरफुल माशाल्लाह। अच्छा भाई उसके बाद वाले कौन है भाई, मोहम्मद फैजान, कौन है मोहम्मद फैजान, यस बेटा देखो कैसे कैसे नाम आ रहे हैं माशाल्लाह। चलो बेटा उसके बाद पढ़ो बेटा, जब बड़े लोग कुछ हुक्म दे तो मैं उनका हुक्म मानूंगा। अब्बू बोले जाओ बेटा जाके शक्कर लाओ, क्या करना है अपने को, मानना नहीं मानना। हाँ अम्मी बोले जाओ बेटा जरा फ्रिज में से टमाटर लेकर आओ, जाओ जी अम्मी खाली मुझे बोलते रहते उनको नहीं बोलते। अरे 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 बेटा जाके जरा कोथमीर लेकर आओ, जौजी अम्मी खाली मुझे बोलते उनको नहीं बोलते। बेटा जरा साबुन लेकर आओ, जौजी अम्मी खाली मुझे बोलते उनको नहीं बोलते। गलत बात समझे ना, जो भी बड़े बात बोलेंगे वो बात यस बोलना है। अब्बू बोले यस, अम्मी बोले यस, दादा बोले यस, दादी बोले यस, नाना बोले यस, नानी बोले यस, मुलसा बोले यस, बड़ों की बातों को यस बोलना है अगर वो बात नाफरमानी की नहीं है तो। अब्बू बोले जाओ जरा गुटका लेकर आओ, तो बोल सकते नहीं अब्बू ये गुटका खाना हराम है मैं नहीं लाता, बोल सकते आप। अब्बू बोले जाओ बेटा वो सिगरेट लेकर आओ, अमेरिकन सिगरेट लेकर आओ बोले समझे ना हाँ, तो नहीं अब्बू ये सिगरेट नहीं पीना है नहीं लाना चाहिए नहीं लाता। तो अच्छे कामों को यस बोलना है, गलत कामों को नो बोलना। बोले दोस्त बोला अरे यारो जरा वो नहीं अजमत है नहीं आज अपने बैगों में यारो बहुत भर के लाया उन्हें जरा इंटरवल जान दो, इंटरवल जाते ही जो है अपन जाके बैग मार लेंगे उसका, तुम जाके ला लो। बोले तो उनकी बात सुनना नहीं सुनना,
नहीं सुनना, गलत कामों में किसी की बात नहीं सुनना, अच्छे कामों में बातों सुनना बेटा। अच्छे काम में दूसरों की बातें क्या करना, अपने को सुनना है, गलत काम में उनकी बातों का हमें नहीं सुनना है, माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद का पॉइंट कौन पढ़ने वाले पता आप लोगों को, माशाल्लाह। अजमत, फिर नाम आ गया अजमत का। चलो बेटा आप पढ़ो। शाबाश बेटा, वेरी गुड, माशाल्लाह। देख रहे हैं बेटा, हम बस में जा रहे हैं, हमको सीट मिली और बाजू वाले बूढ़े आदमी ठहरे हुए थे, क्या करना बेटा हमको, जल्दी बोलो बेटा। हम खड़े होकर उनको बिठा देना बेटा, ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, कोई बुजुर्ग खड़े हुए, कोई बुजुर्ग आंटी खड़े हुए, उनको जगह देना, हम जो है खड़े होकर उनको जगह देना। हम स्कूल बस में जा रहे हैं, ओके, हमको सीट मिली, अब बीच रास्ते में एक छोटा बच्चा चढ़ा, ओके, अब उसको सीट नहीं है, उन्हें बेचारा पूरी बैग ऐसा लटका लेके ऐसा ढूलते जा रहा, पकड़ के ठहर रहा, वो कर रहा है करा, तो क्या करना बेटा हम लोगों को, जल्दी बोलो बेटा, हम उठ जाना और उस छोटे बच्चे क्या करना है, जगा देना। अगर हम अपने क्या बोलते उसको घुटनों पे अगर बिठा सके उसको बिठा देना, या उसकी बैग लेके हम रख ले, बैग रख लेना, उसको सपोर्ट करना बेटा। अरे समझ में, ट्रेन में, बस में, बाइक में, गाड़ी में, क्लास में, वहां या दूसरों को सपोर्ट करना बेटा, सपोर्ट करना, ऐसे नहीं छोड़ना उनको, सपोर्ट करना इंशाल्लाह। ओके, वेरी गुड माशाल्लाह। उसके बाद वाला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन पढ़ेंगे पता आपको, क्या अच्छा नाम लिखा बच्चा, ये अब्दुल सलाम, कौन है अब्दुल सलाम, या क्या बात है माशाल्लाह। चलो भाई, वाओ क्या बात है, मेहमान आते क्या करना पड़ेगा इंशाल्लाह, सबसे पहले पानी पेश करना जाके, बैठा बैठो बैठो पानी पी रहा हूं। अच्छा, मेहमान आ गए, बैठ गए, खलास बैठे हुए खाली बातें करते करते करते, नहीं पहले पानी पेश करना। अच्छा, पानी पेश करने के बाद आप चाय पीते, कॉफी पीते, ठंडा पीते, ठंडा गर्म, पूछना नहीं, पूछो तो क्या बोलते हो ना, नहीं नहीं नहीं, अभी पी क्या हो ना, बोलते हो ना, आप मौसम का ख्याल करना, सख्त जबरदस्त धूप है तो क्या पेश करना, अपन ठंडा पेश करना, ठंडा मौसम है, मैं कोल्ड ड्रिंक लाऊं क्या, पूछते क्या आप, क्या करना, चाय पेश करना, चाय पीते क्या, नो, आप ठंडा पीते क्या, नो, आप ला के चाय पीजिए, आप ला के जो है ठंडा पीजिए, पानी पी लीजिए, खाने का टाइम है अगर खिलाने की नियत है तो खाना लाके चलिए खाना खाएंगे बोलना आप लोग, खाते क्या, पूछते खाने का टाइम है, खाते क्या, बोलते क्या बोलता बेचारा, नहीं अब भी खा गया बोलता बेचारा, समझे ना, तो डायरेक्ट बोला चलो खाना खा लेंगे, बोला खलास। अब मतलब देखो भाई, तकल्लुफ में, दिखावे में, चुप चुप पूछ के देखेंगे वो नहीं, पक्का जो भी करना है पक्का करना अपने काम इंशाल्लाह। तो मेहमान नवाजी करना है बेटा, करेंगे नहीं करेंगे आप लोग इंशाल्लाह, मेहमान नवाजी करना है, चाय फौरन ला के रख देना, ठंडा जो ला के रख देना, पानी ला के रख देना, बिस्किट ला के रख देना, और अगर सेब है तो घर में ला के रख देना, मौस है तो घर में ला के, जो आपके घर में है उसको ला के प्रेजेंट करना, पूछते नहीं बैठना, आम खाते क्या, मौस खाते क्या, अनार खाते क्या, पूछते नहीं बैठना, जो है ला के रखना, अब खाते नहीं खाते वो उनकी मर्जी, लेकिन पूछना सही नहीं है, जो आपके पास है ला के प्रेजेंट कर देना। आरा समझ में, ये है मेहमान नवाजी माशाल्लाह। अच्छा भाई, आज देखेंगे इसके बाद से कौन कौन मेहमान नवाजी करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम छोटा ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, ओके, लास्ट पॉइंट, उसके बाद ब्रेक इंशाल्लाह। आदिल, कौन है आदिल, आई डर रहे हैं क्या, कौन है बेटा आदिल, रोमन में पढ़ना मुश्किल है उनको, ओके नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। उसके बाद अब्दुल, कौन है अब्दुल, अरे वो चुनो है भैया, अच्छा कोई बात नहीं, मोहम्मद नौमान, यस बेटा, वेरी गुड, बहुत प्यारा बच्चा नौमान, चलो बड़ों को खाना पेश करूंगा, दावत बैठे हुए, कितनी एक टेबल कितनी चेयर रहते बेटा, एक टेबल पे कितने चेयर रहते, दावत में गए नहीं गए तुम लोग, बोलो 8, 10, 6, 4, जो भी है बोलो, कुछ बोलो,
दस चरा है, चलो माशाल्लाह। यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ तीन, कितने हुए? आठ। यहाँ दो, दस। या क्या परफेक्ट मतलब प्लान है नहीं? यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ तीन। ओके, दस लोग बैठे हुए। अब उसमें जो है हम लोग तीन छोटे लोग बैठे हुए, अब यहां पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए, तो लेके पहले हम डाल लेना या उनको डालना? बड़ों को डालना बेटा। मेहमान जब हम कहें खाना खाने जाते दावत में, तो क्या करना हमको? पहले बड़ों को डालना है। अपन अपन शेख अपना अपना देख, शेख अपना अपना देख। नो बेटा, पहले बड़ों को पेश करना, उसके बाद हम डाल लेना। अच्छा, बड़ों को डाल रहे, खाली खाना खाना डाल रहे थे, अपने खुद गोश्त गोश्त डाल रहे थे, ऐसा होना चाहिए क्या? नो, पहले उनको गोश्त डालना, समझे ना? उनको भी डालना, उनको भी डालना, फिर बाद में हम डाल लेना। पहले अपन डालने के बाद में देखेंगे दूसरों को। गलत बात बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पहले चाय आ गई, किसको पेश करना? बड़ों को पेश करना। मीठा गया, किसको पेश करना? बड़ों को पेश करना। अच्छा भाई, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल हम दावत में एंटर हो गए, किसमें? शादी खान चले गए। अब जो है बड़े लोग आ रहे थे, हम ढकल के वो करके ये करके अंदर जाके बैठ गए, बाद में बड़े पीछे आ रहे हैं और उनको जगह नजर नहीं आ रही, तो क्या करना? अपन क्या करना? शाबाश बेटा, हम उठ के उनको जगह देना बेटा। माशाल्लाह, क्या प्यारे बच्चे रहेंगे। माशाल्लाह, हम दावते बैठ गए और हमको सीट मिल गई, लेकिन कोई बड़े आदमी आए, उनको कुर्सी नजर नहीं आ रही थी, तो क्या करना? हम उनको जगह देना, हम उठ के उनको जगह देना। आई अंकल आप बैठ जाइए, उनको जगह देना। अगर ऐसा करने की अगर हमारे पास सलाहियत है, समझो अब हम बहुत प्यारे बन गए माशाल्लाह, बहुत प्यारे बन गए माशाल्लाह। आज के बाद इधर करो बेटा, अगर बड़े आ गए मैं उठूंगा, बस में उनको बैठ उनको उनको जगह दूंगा, दावत में उनको कुर्सी दूंगा, मस्जिद में उनको आगे बढ़ाऊंगा, हर जगह बड़ों को आगे बढ़ाने की कैपेसिटी अगर हमारे अंदर आ गई, तो समझो हम लोग जीत गए माशाल्लाह। हम लोग क्या हो गया बेटा? जीत गए माशाल्लाह। तो अब हम जो है एक छोटा सा एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, और ब्रेक के बाद फिर हम जो है अगला सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला इंशाल्लाह। ओके, ये 5 मिनट ब्रेक में क्या करना आप लोगों को? साहब चॉकलेट देंगे सबको भी, पॉसिबल है? कर देते। ओके चलो ठीक है माशाल्लाह। हाँ तो एक 5 मिनट आप लोग क्या करो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा उठ के ठहर जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, फिर उसके बाद आके बैठ देंगे। चलो ओके, सुभान अल्लाह बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। घर को जाना नहीं है अभी, हाँ घर को जाना नहीं है, दोपहर में बिरयानी है इंशाल्लाह, समझे ना? ओके इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश, वेरी गुड बेटा, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। तो अब हम फिर दोबारा अपनी क्लास में आ रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा फ्रेश फील हो रहा नहीं हो रहा आप लोगों को? थोड़ा मतलब फिर बैटरी फिर चार्ज होगी, थोड़ा बैटरी बीच में डाउन होते रहती है, थोड़ा चार्ज होगी माशाल्लाह। तो खैर अभी मतलब चूंकि अचानक आप लोगों को बीच में रिफ्रेशमेंट का प्लान बना तो छोटा मोटा हुआ, लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम होगा ना, पूरी प्लानिंग के साथ जबरदस्त रिफ्रेशमेंट, वो ये माशाल्लाह प्लान रहेंगे इंशाल्लाह। ओके हाँ, ऐसा बोलना आप लोग अभी। अच्छा भाई चलो, उसके बाद जो है पॉइंट हम देखेंगे कौन पढ़ने वाले। ओके बेटा, हम इसके ये ऐसा पूछ रहा हूं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं दिख रहा ना? अच्छा दिख रहा है ये इसके, हाँ क्योंकि ऐसे बोलो तो नहीं उठ रहे हम पट्टे अपने। हाँ रुमान, कौन है रुमान? रुमान मंजिल, यस बेटा शाबाश, वेरी गुड रुमान बेटा। चलो उसके बाद वाला पढ़ो बेटा। बेटा हम अब तक जो पढ़े टिक करना बेटा। ओके, जितने पढ़े हमको टिक करना है, जो जो पढ़ चुके वो टिक करना है पेन से। आप लोगों को पेन दी गई आप लोगों को, यस। चलो बेटा पढ़ो। शाबाश बेटा, वेरी गुड। जब कभी कोई बीमार हो जाए तो क्या दुआ देना हम लोग इंशाल्लाह? चलो बोलो आवाज से बोलो, ला बस तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बस तहूरुन
अब बोलो ला बस तहोरुन ला बस तहोरुन इंशा अल्लाह। याद होगी दुआ ये, सब मिलकर पढ़ो और पढ़ो। अच्छा यस के मोहसिन पढ़ो खाली, यस के मोहसिन कौन है? नहीं खाली ये दुआ पढ़ो, दुआ नहीं बेटा, अभी जो हम दुआ याद करें ना वो दुआ सुनाओ खाली, देखे नहीं बेटा चुनो बेटा बगर देके पढ़ो। शाबाश, फिर बोलो ला बस तहूरुन इंशाल्लाह। मैं क्यों पूछा, याद होना चाहिए हमें से, सब मिलके पढ़े तो ऐसा दिखता याद हुआ, लेकिन इंडिविजुअल पूछे तो समझ में आता याद हुआ नहीं हुआ। चलो बैठो बेटा, फिर पूछ रहा हूं देखो मैं, कौन है भाई ये? ये है हमारे मोहम्मद अब्दुल मतीन। कौन है अब्दुल मतीन? चलो बेटा आप याद हो बेटा दुआ, ये सुनाओ देखें जरा। बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह, वंडरफुल, बहुत अच्छे बच्चे। उसके बाद मैं फिर पूछ रहा हूं किसे? मोहम्मद शाहिद। शाबाश बेटा, दुआ याद हुई आपको? देखे बार पढ़ो, देखे बार पढ़ो, देखे बगैर पढ़ना मेरे दोस्त। अच्छा याद हुई तो बोलो, नो प्रॉब्लम, फिर याद दिला दो। मैं याद दिलाना, हाँ चलो सुनाओ। शाबाश, वेरी गुड माशाल्लाह, शाहिद को याद होगी दुआ माशाल्लाह। उसके बाद फिर हम दुआ सुनेंगे किससे? इतना छोटा नाम लिखा वाजिद, भाई इतना बड़ा है यार, इतना छोटा नाम लिखे। वेरी गुड बेटा माशाल्लाह, तो सबको दुआ याद हुई। ओके तो ये दुआ कब पढ़ना है? कोई बीमार हो तो क्या पढ़ना है? दुआ देना है। आज आज अगर किसी के खानदान में कोई बीमार है तो क्या दुआ देना है? आपके दोस्त अगर बीमार पड़ गए तो क्या दुआ देना है? घर में दादी अम्मी बीमार है तो क्या दुआ पढ़ना चाहिए? घर में दादा जो है बुखार में है तो क्या दुआ देना चाहिए? आपके आंटी हैदराबाद में रहते हैं, उन्हें बीमार है तो क्या दुआ देना कॉल करके उनको? आपके क्लासमेट जो है दो दिन से एब्सेंट थे, आप आपके पास उनका नंबर है, फोन करे पूछे क्या हुआ? भाई दो दिन से मोशन लगे हुए मेरे को। दो दिन से जो है मोशन लगे, बड़बड़ बड़बड़ मोशन लगे हुए, तो क्या दुआ देना आपको? लाबासा तहोरुन इंशाल्लाह। आ रहा बेटा समझ में? तो ये जब कभी कोई बीमार है तो क्या दुआ इंशाल्लाह? लाबासा तहोरुन इंशाल्लाह। कोई भी बीमार मिला च नहीं आपको, कोई भी बीमार नहीं मिला तो क्या करेंगे हम? अपने आप पूछो, अरे क्या बात है, गुड गुड पॉइंट ना। तो क्या करना मालूम, अपने मोहल्ले में अगर छोटे मोटे डॉक्टर रहते, क्लिनिक रहता उनका, शाम में 5 बजे 6 बजे खुलता दुकान उनका, दुकान मतलब उनका ये क्लिनिक खुलता, वहां लाइन से बैठे हुए रहते, वो डेस्क पे बैठे रहते, चेयर में बैठे हुए रहते, उनको जाके दुआ देना लाबास तहोरुन इंशाल्लाह, लाबास तहोरुन इंशाल्लाह। मतलब क्या है इसका? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अल्लाह आपको अच्छा करने वाला है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, अल्लाह क्या करने वाला है? आपको पाक करने वाला है, तहूरुन इंशाल्लाह। इस बीमारी से आपके गुनाह माफ करने वाला है, ये मतलब उसका। ओके, बीमारी होने से गुनाह हमारे क्या होते हैं? झड़ते रहते हैं। बुखार आ गया, गुनाह खत्म होते हैं हमारे। पेट दर्द शुरू हुआ, गुनाह खत्म। सर दर्द हुआ, गुनाह खत्म। और कोई टाइफाइड हुआ, गुनाह खत्म। कुछ भी हुआ, गुनाह खत्म। तो जब भी हम बीमार होते हैं हमारे गुनाह क्या होते हैं? अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं। तो हम दुआ देंगे इंशाल्लाह ला बस तहूरुन इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद वाला पॉइंट पढ़ने वाले कौन है पता आपको? मोहम्मद, अब ये नाम आया क्या? हाँ ये भी छोटू मोटू नाम आया था, ये मोहम्मद उमर। कौन है उमर? मोहम्मद उमर। आ क्या प्यारा बच्चा है जी माशाल्लाह। जो कोई चीज मुझे बहुत पसंद आई तो सुभान अल्लाह का बोलना। शाबाश, बहुत पसंद क्या बोलना उसको? सुभान अल्लाह बोलना। वो माशाल्लाह बोल सकते हैं, सुभान अल्लाह बोल सकते, दोनों बोल सकते, वंडरफुल माशाल्लाह। उसके बाद किसको कौन पढ़ेंगे? अनीसुर रहमान। कौन है अनीसुर रहमान? अनीसुर रहमान आप है बेटा। चलो उसके बाद वाला पॉइंट पढ़ो बेटा। देखो बेटा जितने पॉइंट पढ़े क्या करना, अपने को टिक मारते रहना, बुक में टिक मारते रहो। हाँ यस बेटा, जब घर में
शाबाश, वेरी गुड। इजाद मतलब खटका मारना, घर में जा रहे थे हम क्या करना, हमको खटका खटका मारना है, अस्सलाम वालेकुम बोलना, चुप ऐसे बैल घुसे नहीं घुसना अंदर, समझे ना, अंदर बकरी घुसती नहीं ऐसा अंदर नहीं घुसना, बल्कि परमिशन लेना, बेल मारना, खटका मारना, अस्सलाम वालेकुम बोलना, उसके बाद अंदर जाना। शेख हमारा घर है तब भी बेल मार के अंदर जाना, सलाम करके अंदर जाना। दोस्त घर को जा रहे हैं आप, क्या करना आपको, बेल मारना, खटका मारना, साइड में खड़े होकर सलाम करना, सामने ऐसे खड़े हो सलाम नहीं करना, साइड में खड़े होना, बेल बजा के दरवाजे के साइड में खड़े होना, उसके बाद अंदर जाना बेटा, बगैर परमिशन के घर में दाखिल नहीं होना, परमिशन लेके दाखिल होना है। ओके बेटा, शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह। उसके बाद वाला पॉइंट कौन पढ़ते बता आपको, माशाल्लाह। उसके बाद वाले पॉइंट पढ़ने वाले हमारे सामने है मोहम्मद मुदस्सिर। क्या बेटा, मुदस्सिर हो रहे चुन बेटा, चलो ट्राई करो, आता नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं, घबराने को बेटा नहीं आता कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद वाला पॉइंट कौन पढ़ते मालूम, नौमान, आप ही से नौमान, चलो बेटा नौमान पढ़ो बेटा, चलो जल्दी फटाफट कोई, शाबाश, नमाज की मुकम्मल पाबंदी करूंगा, नमाज की मुकम्मल पाबंदी करूंगा। अच्छा, नमाज कितने टाइम पढ़ना है, कौन बोले तुम लोगों को, हाँ कितने टाइम पढ़ना है, छह, डर के मारे छह बोल रहा हूँ, कितने टाइम पढ़ना है, चार, क्या बेटा डंडी मार रहे नो डंडी मार रहे नो, कितने पढ़ना है, पूरे पूरे पांच टाइम पढ़ना है, पक्का ना इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों को किसी को साइकिल चलाना था, साइकिल साइकिल किसको आता, किसको साइकिल चलाने आता, सबको आता, चलो मान लो फॉर एग्जांपल आप आओ बेटा, इधर आओ, चाय ठंडी हुई गर्म है, गर्म ही है, अब देख तो मैं पहले चेक करके, बिस्मिल्लाह, और किसको साइकिल, आप आओ जी, आप ही छाँ टोपी ठहरो वहां पर, दोनों ठहरो वहां पर, इन दोनों क्या आता बेटा, पक्का मतलब आप लोगों के साइकिल चलाना, दूसरों को साइकिल चलाना आता, आपकी चुराने आता, नहीं आता नहीं आता, अच्छा पंचर करने आता, नहीं आता पंचर करने, आता आता, अब तक किस साइकिल पंचर करे आप, सुई चुबो के कांटा चुबो के अब तक नहीं करे, हवा नहीं निकाले वो खोल के ऐसा भी नहीं करे, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह। अब देखेंगे क्या करते लोग, समझे, अब देखेंगे क्या करते लोग, अब बता रहा हूं लोग, आपका नाम क्या है, जुल्करैन, मो जुल्करैन, आपका नाम क्या है, मुदस्सिर, जुल्करैन साइकिल चलाने आता है इनको, यहां ठहरा, यहां है, इन रोजाना अपनी साइकिल पे स्कूल को जाते, फॉर एग्जाम्पल, पक्का ना, इन रोजाना कहां जाते अपने साइकिल पे, बोलो जी, स्कूल जाते, स्कूल जाते 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 क्या होता, मतलब इनकी साइकिल पंचर होती, इनकी साइकिल क्या होती बच्चों, पंचर, किसको बोलते हैं पंचर, किसको बोलते हैं, कांटा चुभता हवा जाती, सुई चुभती हवा जाती, और मेघ चुभता हवा, क्या हो गई साइकिल इनकी, जल्दी बोलो रे बाबा, पंचर रहती है साइकिल, अब इस साइकिल पंचर होती क्या करते हैं, पंचर बनाने वाले के पास जाते, अब इनो साइकिल इनकी पंचर हो गई तो हमारे साइकिल पंचर बनाने वाले पाशा भाई, इन कौन है, इनो पाशा भाई, बेटा नाराज नहीं होते ना बेटा, हाँ नहीं नहीं होते नहीं होते, अब गांव मुझे पाशा ही बोले मोल साहब, हाँ इन्हो पाशा भाई, अब इन्हो मुदस्सिर भाई, यहाँ यहाँ ठहरो आप, पाशा भाई, इन्हो क्या करते हैं,
पंचर बनाते पाशा भाई, ओके। आप मुदस्सिर भाई की गाड़ी क्या हो पंचर हुई, अब गाड़ी ढकेलते ढकेलते ढकेलते, सलाम वालेकुम पाशा भाई, कैसे हैं पाशा भाई? हाँ देखो पाशा भाई को सलाम करें ना, सलाम करे, पाशा भाई मेरी साइकिल पंचर हुई। तो इन्होंने क्या बोलते, हाँ मुदस्सिर भाई ठहरो ठहरो मैं पंचर बनाता हूँ, आप एक काम करो ना एक आधे घंटे में आ जाओ साइकिल में बना के रखता हूँ, बोले इन्हों पाशा भाई, ओके। इन्हों साइकिल रख के कहाँ चले गए, फिर दोबारा घर को चले गए। अब घर को देख क्या बात है, 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ऐसा बेचैनी से इंतजार करते रहते, क्योंकि साइकिल भी जल्दी बनना है फिर खेलना है अपने को। फिर जो है आधा घंटा होते ही पौन घंटा हो गया, अब तो साइकिल बनी होंगी, बोल के कहाँ चले गए नो, कहाँ चले गए पाशा भाई के पास। सलाम वालेकुम पाशा भाई, साइकिल बनाए पाशा भाई आप? हाँ बनाए बनाए भाई, ये कहाँ है ये साइकिल, ये रख लो, हाँ चलो टिंग 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 ऐसा लेके जा रहे थे, बीच रास्ते में फिर हवा उतर गई, फिर बीच रास्ते फिर हवा उतर गई। अब हवा उतरते ही फिर पलटा, क्या करते हैं क्या करते फिर पाशा भाई, समझे ना, फिर सलाम वालेकुम पाशा भाई, क्या पाशा भाई पूरी हवा उतर गई, पंचर बनाए नहीं बनाए, अरे हाओ साहब बनाया पंचर बनाया, फिर हवा उतर गई ना, नहीं देखो आपके साइकिल में 5 पंचर थे, मैं 2 पंचर बनाया 3 पंचर छोड़ दिया। क्या बोल रहे हैं पाशा भाई, आपके साइकिल में कितने पंचर थे, 5 पंचर थे, बनाया कितने और छोड़े कितने, 3 छोड़ दिए। अरे क्या पाशा भाई, 5 पंचर हुए तो 2 बना के 3 छोड़, साइकिल चलती क्या? हाँ नहीं चलती, नहीं चलती, फिर आप पूरे बने क्यों नहीं? मुदस्सिर भाई मैं आपको समझाना चाह रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो आपके साइकिल के जो है ट्यूब में 5 पंचर हुए और 2 बना के 3 छोड़े तो आपकी साइकिल चलती नहीं चलती, आपकी बाइक चलती नहीं चलती, आपकी कार चलती नहीं चलती, अगर चलना है तो कितने पंचर बनाना पड़ता, पूरे 5 बनाना पड़ता, 5 में से अगर 1 छोड़ दिए तो नहीं, 2 छोड़े तो, 3 छोड़े तो, 4 छोड़े तो नहीं चलती गाड़ी आपकी, पूरे के पूरे 5 पंचर बने तो गाड़ी चलती, नहीं तो गाड़ी नहीं चलती। मुदस्सिर भाई मैं आपको समझाना चाह रहा था, अल्लाह ताला कितने टाइम नमाज फर्ज किया हम पे, 5 टाइम नमाज फर्ज किया, अब तुम लोग 2 पढ़ रहे 3 छोड़ रहे, 3 पढ़ रहे 2 छोड़ रहे, 4 पढ़ रहे 1 छोड़ रहे, पूरे पूरे 5 भी छोड़ दे रहे हैं, तो गाड़ी कैसे चलने वाली है साहब? जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती लेकिन फिर भी अल्लाह चला रहा। कितने टाइम पढ़ना है नमाज अपने को, पूरे 5 अगर टाइम अल्लाह ने दिया है तो कितने टाइम पढ़ना, 5 टाइम पढ़ना, अखाली मगरिब पढ़ रहे बाद में पूरे छोड़ दे रहे चलता, जोहर असर पढ़ ले रहे बाकी छोड़ दे चलता, मगरिब इशा पढ़ रहे बाकी सब छोड़ रहे चलता, फजर छोड़ दे रहे चलता, नहीं चलता बेटा। जी सर, हमारी गाड़ी हमारी साइकिल 1 पंचर भी अगर छोड़ दे तो चलने वाली नहीं। इतनी बड़ी जिंदगी को अल्लाह, हमारी गाड़ी को अल्लाह फिर भी चला रहा, वो उसका एहसान है। तो कितने टाइम पढ़ना बेटा अपन नमाज इंशाल्लाह, आज से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पक्का पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यस वेरी गुड बेटा माशाल्लाह, आज से हम 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक काम करेंगे अपन, कैसा काम करेंगे बेटा आप, बेटा एक जो है 5 रुपीज का चार्ट मिलता, पता है आपको चार्ट, पिंक चार्ट मिलता, ब्लू मिलता, व्हाइट मिलता, और कौन कौन सा मिलता बेटा, येलो मिलता, ग्रीन मिलता, हाँ ब्लैक मिलता, चलो ठीक है। अब आपको कौन सा पसंद है, फॉर एग्जाम्पल पिंक पसंद, पिंक पिंक लेंगे पिंक, ओके पिंक, पिंक जो है एक पोस्टर लेंगे 5 रुपये वाला मिलता आपको, वो पोस्टर ले क्या करना मालूम आपको, ऐसा अपने घर के दीवार पे क्या करना, इसको कुछ है क्या पूछने के लिए, अरे है ना भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं है समझ के मैं अब तक यूज नहीं कर रहा, सॉरी सॉरी दोस्त, सॉरी दोस्त। मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा आज एक्टिविटी करके बताना आप लोग इंशाल्लाह, और करके आपके मौल साहब को जो है उसकी फोटो शेयर करना, या ये भाई एक काम करो, ये तमाम के तमाम जितने बच्चे हैं ना उन तमाम बच्चों ग्रुप बनेंगे इंशाल्लाह, व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, और इसमें हम लोग अब नए नए सीखेंगे इंशाल्लाह, अपडेट करेंगे इंशाल्लाह, ओके। देखो बेटा 5 रुपए का वो चार्ट लेके, ये मान लो ये पूरा चार्ट है हमारा, ओके, इसको क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, डेट 1 2 3
फोर फाइव सिक्स यहां तक कितने होते 30 जनवरी का ही। आज क्या आज कौन सा डेट है आज? माशाल्लाह क्या बात है, आज 1 जनवरी है 2023 साल का पहला दिन, हमारा साल का पहला दिन अमेजिंग दिन होने वाला है, लाइफ को चेंज करने वाला दिन हमारा आज माशाल्लाह। ओके चलो ये इस लाइन में कितने 1 से 30 डेज तक ऐसा, उसके बाद फिर ऐसे ऐसा 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 आप लोग वो स्केल रख लेके लकीर मानना। ओके उसके बाद फजर जोहर असर मगरिब ईशा। ओके ऐसा चार्ट बनाना। यस उसके बाद क्या करना मालूम अपने को, डे वन आज आज जनवरी की पहली तारीख है, डे वन में फजर पढ़े क्या? यस। जोहर पढ़े क्या? यस। असर पढ़े क्या? यस। मगरिब छूट गई? नो। ईशा छूट गई? नो। ऐसा आपने को क्या करना है इंशाल्लाह, लिस्ट बनाना है इंशाल्लाह, जितने नमाजें पढ़े हम उसको यस यस करना, जो छूट गई क्या करना उसको नो 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 ओ यस। ऐसा तो अब जिसके नमाजा भी यानी ये फुल हो जाएंगे पूरे महीने में, जो फुल नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह मस्जिद की तरफ से उसको प्राइज इंशाल्लाह, वो क्या होगा हम बोलेंगे इंशाल्लाह, अभी नहीं बोलेंगे आप लोगों को, समझे ना। आज हम ये बनाएंगे प्लान इंशाल्लाह, आज के बाद से प्लान बनाएंगे और आप लोग ऐसा चार्ट लीजिए, जो भी आप इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, जो भी अच्छे बनना चाह रहे हैं, आज हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा चार्ट बनाना 1 2 3 4 5 पूरे 30 डेज का, फिर उसके बाद फजर जोहर असर मगरिब ईशा, ऐसा पूरे महीने में जब जब नमाज पढ़े दीवार पे टिक 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 लगाते जाना। जो बड़े लोग हैं अपने बच्चों को ऐसे काम करने लगाना, तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह नमाज के पाबंद बन सकते इंशाल्लाह, बनेंगे बेटा इंशाल्लाह। तो कितने टाइम नमाज पढ़ना है अपने को इंशाल्लाह, पूरी नमाज की मुकम्मल पाबंदी करना है इंशाल्लाह। यस वेरी गुड। उसके बाद कौन सुनाएंगे पता है आपको? इरफान, क्या नाम लिखा भाई ने माशाल्लाह, क्या बात है, छोटा इतना हाइट है तो छोटा नाम लिखा है ना। चलो बेटा सुनो बेटा, उसके बाद और पॉइंट खुतबा गौर सुनूंगा इंशाल्लाह। जुम्मे के दिन क्या करूंगा मैं, खुतबा गौर सुनूंगा। जुम्मा कौन कौन पढ़ते हैं आप लोगों में से? बेटा माशाल्लाह। अच्छा खुतबा शुरू होने से पहले आते, खुतबे के बीच में आते, एंडिंग में आते आप लोग? छूट नहीं बोलना भी, सही सही बोलना। पहले आज साल का पहला दिन है आज, ईमानदारी से बोलो पहले कौन है अब तक? अच्छा ईमानदारी से बोलो बीच में कौन है अब तक? बीच में ईमानदारी से बोलो खत्म होने तो कौन है आप लोग? खत्म होने की बात है, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो बेटा अब के बाद से इंशाल्लाह हम खुतबा स्टार्ट होने से पहले आएंगे। अच्छा बेटा आप लोग प्लान बनाओ, हम खुतबा शुरू होने से पहले यहां बैठेंगे, वहां कहां बैठेंगे हम लोग, कहां बैठेंगे हम लोग इंशाल्लाह? ओ पक्का माशाल्लाह, देखो भाई ये बच्चे इंशाल्लाह पहले से बैठने वाले हैं माशाल्लाह। बेटा वाकई अगर पहले से बैठे आप बहुत प्यारे बच्चे आप, मतलब बदल गए आप लोग, मिसाली बेटे बन गए आप लोग माशाल्लाह। तो पहले आएंगे। अच्छा बेटा हो सके तो क्या करना मालूम आप लोग, एक पेपर और पेन भी लेके आना आप लोग, आके मौल साहब क्या क्या पॉइंट्स बोलते 1 2 3 4 5 रोमन में लिखते रहना माशाल्लाह, उर्दू में लिखते रहना, और पूरी बात लेके भरे अम्मी को सुनाना अब्बू को सुनाना, आप जबरदस्त बच्चे बन सकते हैं इंशाल्लाह। तो खुतबा हम गौर से सुनेंगे, बातें करना सही है खुतबे में नहीं, अगर बात करें तो खलास खुतबे का पूरा सवाब हमारा मिस होता, खत्म हो जाता माशाल्लाह। ओके उसके बाद वाला पॉइंट कौन पढ़ेंगे भाई हमारे चुन्नु मुन्नु अरशद, कौन है अरशद? अम्मा इतना छोटा प्यारा बच्चा है बेटा, पढ़ने आता को देखो चक्कर आप नहीं आता, कोई बात नहीं चलो हम आपका नाम आगे बढ़ा दिए। उसके बाद अमान, नाम बहुत अच्छा लिखा है नाम अच्छा, अमान कौन है? अमन, अमन है ये, अमान है, अमन है, जो भी रहेंगे आप। चलो बेटा उसके बाद पढ़ो, जितने अब तक पॉइंट पढ़े पूरे टिक करो आप लोग। हाँ बेटा जुम्मा के दिन
पास बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा, जुमा के दिन इंशाल्लाह क्या करेंगे मालूम, आपके अब्बू को बोलना, अम्मी को बोलना, अब्बू आज मैं जुमा को जा रहा हूँ, 5 रुपीज दीजिए ना आप, 5 रुपीज दीजिए, 10 रुपीज दीजिए, अम्मी के पास, अब्बू के पास मंग के लाना। और जुम्मा के दिन सफ में बैठे हुए हैं हम लोग, नमाज के बाद डब्बा जाते रहता, नमाज क्या होता डब्बा सामने से या होता, ऐसा नहीं होता, दस्ती होती, जो भी हो बहरहाल डब्बा जाता या तो दस्ती आती, तो क्या करेंगे हम इंशाल्लाह शाबाश से निकाल के, ऐसा निकाल के करके ऐसा देंगे इंशाल्लाह। कौन कौन देंगे आने जुम्मा इंशाल्लाह, वाह 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 क्या बात है, प्रैक्टिकल बेटा, पक्का इंशाल्लाह बेटा, है ना। तो हर जुमा कम से कम 5 रुपीज हम क्या करेंगे, सदका करेंगे इंशाल्लाह, हर जुमा कम से कम 5 रुपीज। अगर अल्लाह आपको ज्यादा दिया तो 10 भी कर सकते, 20 भी कर सकते, 50 भी कर सकते, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 5 रुपीज। हम इतने गरीब नहीं कि 5 रुपये सदका नहीं कर सके, ऐसा है बेटा नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं रखा हम लोगों को, अल्लाह हमको ऐसा नहीं रखा, हमको अल्लाह अल्लाह अच्छा दिया है, तो हम कम से कम 5 रुपीज अल्लाह की राह में जुमा के दिन यानी मस्जिद के डब्बे में, दस्ती में, जो भी हम डालेंगे इंशाल्लाह सदका करेंगे, पक्का करेंगे इंशाल्लाह बेटा, यस वेरी गुड। अच्छा और एक काम कर सकते हैं बेटा, ऐसा डब्बा लेना, मतलब ऐसा नहीं प्लास्टिक डब्बा, प्लास्टिक डब्बा लेना, डब्बा यहां सुराख डालना, क्या करना ऊपर सुराख डालना, गल्ला मालूम, गल्ला मिट्टी का डब्बा बने रहते, गल्ला रहते, और जो है वो प्लास्टिक का भी रहता, टीन का डब्बे का भी रहता, आजकल मिल रहा माशाल्लाह सुपरमार्केट के अंदर, वो ला के उसमें रोजाना 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए उसमें डालते जाना, पूरा महीना डालने के बाद डब्बा भर जाता हमारा, मस्जिद को ला के देना, या घर में आपके काम करने वाले कोई नौकरानी है उसको दे देना, रिश्तेदारों में कोई पप्पू आंटी अंकल कोई गरीब उनको दे देना, यह हम काम कर सकते हैं इंशाल्लाह बेटा। इससे क्या होता बोलो बेटा, हमारा दिल बड़ा होता, हमारा दिल बड़ा हुआ समझो, खलास हम सरदार बनते। सरदार कौन बन सकता, जिसका दिल बड़ा है उन्हें सरदार बन सकता, लीडर कौन बन सकता, जिसका दिल बड़ा उन्हें लीडर बन सकता, जिसका दिल छोटा है वो लीडर नहीं बन सकता, याद रखो आप लोग, जिसका दिल छोटा है वो लीडर नहीं बन सकता, जिसका दिल बड़ा है वही लीडर बन सकता। तो दिल बड़ा करना बेटा आप लोग इंशाल्लाह, क्या करना आप लोगों को, दिल बड़ा करना, देने वाले बनना, लेने वाले नहीं बनना, देने वाले बनना। इस्लाम क्या सिखाता, जकात दियो 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 बोला, जकात लियो लियो कहीं भी नहीं बोला अल्लाह ताला, सलाम करो 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 बोला, सलाम लियो लियो कहीं भी नहीं बोला। इस्लाम की पूरी तरह देने की है, तो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, देने वाले बनेंगे, सदका देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। तो जुम्मा जुम्मा कितना खर्च करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, खाली 5 ही, कम से कम 5 बोला मैं, कम से कम 5, आप चाहे तो 10 भी चाहे तो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना। अम्मी मौल साहब बोले 50 रुपए खर्च करो, बोले दो 50 रुपए, अरे बेटा नहीं है बेटा, दो कुछ भी हो दो, नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, है तो नहीं तो नो प्रॉब्लम, समझे ना, जिद नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, ओके वेरी गुड बेटा माशाल्लाह। उसके बाद कौन पढ़ेंगे पता आप लोगों को, आदिल बेटा, कौन आदिल बेटा, कौन आदिल, आप बेटा स्टैंड अप, चलो पढ़ो, आता पढ़ने आपको नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आदिल के बाद हम कहने जा रहे हैं, कौन है भाई, क्या नाम लिखा भाई, ये नहीं पढ़ने आना बोल के, हाओ शेख, शेख मोहसिन, क्या माँ इतना खतरनाक, कौन है शेख मोहसिन, अरे आप ही छे बेटा, चलो पढ़ो बेटा, हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड माशाल्लाह, देते पक्का इंशाल्लाह, कुछ ना देंगे इंशाल्लाह हम लोग, कुछ ना कुछ रहता देंगे हम इंशाल्लाह, मस्जिद पढ़ के बाहर निकले कोई मंगले ठहरे है आपकी जेब में 5 रुपए दो, जुम्मा दिन कोई मांगने है घर के सामने तो आप अगर है कुछ दे दो उनको, अगर है तो पक्का देना इंशाल्लाह बेटा, ओके। और आप लोग बेटा आप लोग नियत कर लो, बड़े भी नियत कर लो भाई, बड़े भी आप नियत कर लो, जब कभी किसी मस्जिद का ऐलान होगा कम से कम 20 रुपए में जरूर दूंगा इंशाल्लाह, 20 रुपए जरूर दूंगा इंशाल्लाह, मस्जिद का हो, मदरसे का हो, किसी गरीब का हो, यतीम का हो, जब भी ऐलान होता कम से कम 20 रुपीज में जरूर दूंगा, ये आप लोग प्लान बना लीजिए, आपको खर्च करना आसान हो जाता। अगर प्लान नहीं बने समझो, ऐलान होता सोचते मैं 10 दूं, 20 दूं, 50 दूं, 100 दूं, कितने सोचते 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 बाहर निकल जाते, खलास
देते नहीं, समझे ना। तो अगर पहले से माइंडसेट बनावा 20 रुपए देना है मुझे, तो खत्म, ऐलान होते ही 20 रुपए का नोट हाथ में खुद बखुद आता, देख चले आते। अगर आपका पहले प्लान नहीं है तो आपको शैतान खर्च करने नहीं देता। खाली सोच में लगाता कितनी दूं क्या करूं, कितनी दूं, वो नोट देखता, वो देखता, ये देखता, हाथ जेब डालता, हाथ निकल के बाहर चला था, खलास नहीं देता उन्हें। तो बड़े भी आप लोग भी प्लान बनाइए, जब भी ऐलान होगा, किसी का ऐलान होगा, मैं कम से कम 20 रुपए खर्च करूंगा, तो आप पर कोई बर्डन नहीं होगा इंशाल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। उसके बाद क्या है मालूम, उसके बाद कौन है भाई, ये जुल्फिकारुद्दीन कहां है, उठो भाई साहब। जुल्फिकार भी थे ना आप ही, ना बेटा उठो, डर रहे क्यों तुम, सुल करना ही ना है, हाँ सॉरी सुल करना नहीं चाहिए ना। चलो बेटा पढ़ो, उसके बाद क्या है, एग्रो स्टाइल से पढ़ो, एग्रो पढ़ो स्टाइल से पढ़ो, एग्रो पढ़ो, एग्रो है मेरे घर में, यस हाँ, कुछ अच्छी चीज पाके तो आपने अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। शाबाश, वेरी गुड। अगर हमारे घर में कुछ अच्छी चीज पके तो अपने दोस्तों को खिलाऊंगा, माशाल्लाह। देख रहे बेटा, मान लो क्या बात है, देखो लड्डू है जी ये लड्डू बेटा, क्या नाम आपका, अफशान, क्या लड्डू बेटा माशाल्लाह। इनके घर में क्या थी मालूम, दावत थी, दावत। इनके घर में आज संडे है, आज क्या है, आज संडे, घर में दावत थी, दावत दावत में इनके अम्मी चिकन बिरयानी बने थे और गुलाब जामुन बने थे, क्या बने थे, गुलाब जामुन बने थे। और रात में मेहमान खा के चले गए तो एक 10-15 गुलाब जामुन बचे थे, 10-15 गुलाब जामुन बचे थे। तो इन्होंने सुबह में स्कूल जाने वाले थे, स्कूल जाते जाते अम्मी को बोले, अम्मी मैं स्कूल को जा रहा हूं ना, गुलाब जामुन बचे ना, मुझे 5 गुलाब जामुन दो ना प्लीज, 5 गुलाब दो ना प्लीज। मम्मी पूछे क्यों बेटा, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है ना, मैं उनको भी खिलाना चाहता हूँ। ऐसा बेटा, चलो ऐसा डब्बे में पैक करके उनके अम्मी शीरा डाल के, हाँ लाल लाल गुलाब जामुन डाल के, शीरा डाल के डब्बा पैक करके दिए और वो डब्बा लेके इन्होंने स्कूल को चले गए। जाने के बाद उनको जो बेंच पे जो बेस्ट फ्रेंड थे ना, उनको ऐसा लंच, वो शॉर्ट ब्रेक था, शॉर्ट ब्रेक, एक लॉन्ग ब्रेक था और एक शॉर्ट ब्रेक था, शॉर्ट ब्रेक ऐसा डब्बा खा दिए। काला रे भाई, अरे रे रे क्या बात है, तू ही गुलाब जामुन खा रहे भाई, तू ही गुलाब खा रहे। शेयर करना, जब भी अच्छी चीज पकी क्या करना हम लोग इंशाल्लाह, शेयर करना, कभी दोस्तों को, कभी पड़ोसियों को, और कभी और किसको, रिश्तेदारों को, और कभी कभी मस्जिद को मौजिन साहब को ला खिलाना। गलत है खिलाना, गलत है खिलाना, हाँ भाई गलत क्या है, कभी इमाम साहब को ला खिलाना, मुल साहब गुलाब जामुन बड़े मुल साहब नमाज पढ़ के बैठ के खिला के चले आना माशाल्लाह, समझे ना। कभी मुसल्लियों को बैठ के, कोई बुजुर्ग है मुसल्ली, हाँ उनको खिलाना, मीठा ज्यादा नहीं खिलाना उनको, हाँ फिर भी लॉन्ग लॉन्ग खिलाना, समझे, ऐसा हम खिलेंगे। क्या बेटा लड्डू, आप क्या अपना लड्डू आज से आपके, ओके मुस्कुरा लड्डू उतना माशाल्लाह, ओके। तो घर में अच्छी चीज पकड़ क्या करना, अपने को दूसरों को करते नहीं करते, पक्का दिल से बोल रहे ना इंशाल्लाह ना, तो दावत हुई तो आप कुछ ना कुछ खिलाना है इंशाल्लाह। चलो बेटा वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे। चलो दावत में हम शेयर कर लिए, खिलाए पिलाए, उसके बाद कौन बोलते, कौन बोलते उनो, चलो बेटा चलो पढ़ा माशाल्लाह, इतना बच्चा जल्दी 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 हो, जल्दी जल्दी हो, जल्दी हो, कितना प्यारा बच्चा है जी माशाल्लाह। यहाँ इधर आओ, यहाँ 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 सब देखो, एक्टिव बॉय, या एक्शन देखो उनका, देखो चलेंगे देखो, अरे 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 क्या बात है, मुझे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो जी, यहाँ देखो जी, चॉकलेट माशाल्लाह। चलो वेरी गुड बेटा, जाओ हर दिन क्या करेंगे इंशाल्लाह, इनो अरे चॉकलेट नहीं तिलावत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आप लोगों में से कुरान किस किस पढ़ने आता, बाबा बाबा सबको आता,
पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज के बाद, कम से कम बेटा दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन। अच्छा, कुरान के पेज में कितने लाइन रहते पता आप लोगों को? शाबाश, वेरी गुड। चलो बेटा चॉकलेट, चलो क्या बेटा, बहुत प्यारा बच्चा माशाल्लाह। कितने लाइन रहते बेटा मतलब इसमें एक पेज में? 15 लाइन रहते, शाबाश, वेरी गुड। ये देखो चिन्नू मुंडू बेटा। अच्छा अच्छा भाई, एक पारे में कितने पेज रहते पता आप लोग? हाँ, एक पारे में कितने पेज रहते? नहीं, नो 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 20। चलो अब दे, सब बोल दिए। चल आ जाओ बेटा, आ जाओ, सब बोल दिए, अब 20 की बचाओ, इधर आ जाओ। कौन से? अरे ये भी है क्या? अरे अरे नहीं मालूम मुझे। यहाँ हो तुम तो, दोनों दोनों चॉकलेट है ये लड्डू। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, तुम्हारा। ओके, एक पारे में 20 पेज रहते बेटा, एक पारे में 20 पेज रहते। अगर मान लो हम रोजाना एक पेज पढ़े तो कितने दिन में पारा खत्म होता? 20 डेज में पारा खलास, माशाल्लाह। हाँ, अगर रोजाना आधा पेज पढ़े तो कब खत्म होता? 40 डेज में खलास। शेख, रोजाना एक पेज इतना कैसा पढ़ना शेख, मुश्किल है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, फजर की नमाज में मान लो चार लाइन पढ़ो, फिर जोहर की नमाज में चार लाइन पढ़ो, असर में चार लाइन पढ़ो, मगरिब में चार लाइन पढ़ो, ईशा में चार लाइन पढ़ो, कितने लाइन हुए? 20 लाइन हो गए। फजर में चार, जोहर में चार, असर में चार, मगरिब में चार, ईशा में चार, कितने लाइन हुए? 20 लाइन। एक दिन में 20 लाइन खत्म, एक पेज खत्म, माशाल्लाह। तो बेटा आज के बाद से हम कुछ रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पक्का बेटा इंशाल्लाह। घर में पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, कहीं पढ़ो, लेकिन पढ़ना बेटा इंशाल्लाह। और जो कुरान पढ़ते वो अल्लाह ताला के पास क्या होने वाले हैं? प्यारे बंदे बनने वाले, प्यारे बंदे बनने वाले। अगर याद है तो याद करना शुरू करो, हिफ्ज़ करना शुरू करो इंशाल्लाह। और ये भी कर सकते आप लोग कि भाई हमारे बच्चे हमारे मस्जिद, अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु तआला के बच्चे, अगर 20 दिन में कोई भी आदमी ईमानदारी से बच्चा अगर कुरान का एक पारा खत्म करके आएगा, मुबीन साहब और मुल साहब आप लोगों को प्राइज देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, जावेद साहब भी जो है प्राइज देंगे, आप सब कमेटी, मस्जिद कमेटी इंशाल्लाह। ओके, तो अगर कोई बच्चा 20 दिन में 20 दिन में अगर पारा पढ़ के आके बताया, शेख मैं पूरा 20, आज डेट 20 है, मैं पूरा पारा पढ़ खत्म करके आया, इंशाल्लाह प्राइज बेटा इंशाल्लाह। ओके, तो देखो बेटा जिम्मेदारों का दिल बहुत बड़ा है, जिम्मेदारों का दिल बहुत बड़ा, इसीलिए देखो ये लाए, ये ये लाए, ये देखो, ये देखो, अरे रे 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 रे, ये देखो कितनी चीजा है माशाल्लाह आप लोगों के वास्ते। यस बेटा, तो आज के बाद से कुरान पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह, ये पक्का है या फिर आने का इंशाल्लाह है? खाली एक है फिर आने का, खाली फिराते रहते समझे, और एक है पक्का। ओके, वेरी गुड माशाल्लाह। चलो उसके बाद कौन पढ़ते देखेंगे इंशाल्लाह। अयान बेटा, अयान बेटा, हुई अयान। चलो माँ, ये बड़ा लड्डू है भाई, भाया है क्या है? भाया है नहीं, ओ बड़ा लड्डू, छोटा लड्डू। चलो हाँ, चलो बेटा, पाबंदी, शाबाश बेटा। देखो बेटा, हम लोगों को अस्कार नहीं मालूम शायद, समझे ना बेटा। एक किताब आप लोगों को इंशाल्लाह जो है मिलने वाली इंशाल्लाह बेटा, ये किताब जो है ये पूरे दुआओं की किताब बेटा, ये कौन सी ये किताब है? ये दुआओं किताब है, ऐसी वो देखो, अस्कार बाद नमाज फजर और सुबह शाम के अस्कार, ये भी किताब ले लो आप लोग, समझे ना, ये किताब आप ले लो। देखो वो रोमन में माशाल्लाह, देखो हाँ रोमन में, अल्लाहुम्मा मा अल्लाहुम्मा मा 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 मस्सनी मिन नियमतिन औ बिअहदिन मिन खल्क़िक फमिनक वाहदिक, पूरा मतलब रोमन में है।
आप इसको पढ़ सकते बेटा, ये फ्री में किताब है, खरीदना नहीं है आप लोगों को, समझे ना। ये रोजाना लो और इसको जो है इस किताब को रोजाना आप लोग पढ़ते रहो इंशाल्लाह। क्या करेंगे हम, सुबह शाम के अस्कार पढ़ेंगे इंशाल्लाह। शुरू शुरू बहुत भारी दिखता आप लोगों को, मुश्किल दिखता आप लोगों को, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते आते क्या होता आप लोगों को, वो आसान बनते जाता है इंशाल्लाह। लिहाजा ये अस्कार पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके वेरी गुड बेटा माशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट जो है कौन है भाई, हमारा लड्डू छोटा मोटा लड्डू अफशान खान। अरे मैं छोटा मोटा लड्डू बोलते वैसा क्या फिर अफशान खान आओ बेटा लड्डू चलो। बेटा कहां पढ़ रहे भूल गए क्या आप? हाँ पढ़ो। हाँ गरीबों से, हाँ मिस्किनों से मोहब्बत करूंगा। यस बेटा, देखो बेटा जनरली क्या करते मालूम, जो मालदार हैं उनकी इज्जत करते, उनको सलाम करते, उनके साथ रहते, उनके हक बैठते। ऐसा नहीं बेटा, गरीबों के साथ भी रहना अपने को, गरीबों को सलाम करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी इज्जत करना। क्यों? हमारे नबी सल्लम गरीबों से बहुत मोहब्बत करते थे, मिस्किनों से बहुत मोहब्बत करते थे। हमको भी मोहब्बत करना बेटा इंशाल्लाह। ओके नफरत नहीं करना है, चिल्लाना जाओ नो गलत बात, मिस्किनों से मोहब्बत करना, गरीबों से मोहब्बत करना इंशाल्लाह। ओके उसके बाद हमारे चुनमुन्नो अरशद सैयद अरशद, कौन है सैयद अरशद? यस बेटा वेरी गुड माशाल्लाह। चलो पढ़ो बेटा। अगर मेरी क्लास में कोई अच्छे मार्क से कामयाब हो तो मुबारकबादी दूंगा। शाबाश बेटा, देख कितना बड़ा दिल है इनका माशाल्लाह। अगर हमारी क्लास में स्कूल में कोई हाई लेवल का पास हुआ तो क्या करना हम उनको? मुबारकबाद देना। जलना नहीं, अंदर जलन हो रही समझो। खतरनाक है हम लोग, उन्हें आगे नहीं बढ़ना बोल के नोटबुक चुरा लेते लोग। उन्हें आगे नहीं बढ़ना बोल के नोटबुक फाड़ देते हम लोग। एग्जाम से पहले उसके नोटबुक चुरा लेते। ऐसे बच्चे, गंदे बच्चे सोसाइटी के अंदर है, स्कूलों के अंदर है, जो क्लास में अच्छा पढ़ने वाला है तो उसके नोटबुक चुरा लेते, फाड़ देते, फेंक देते, ताकि हम आगे बढ़े। जिंदगी में ऐसा आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको आगे बढ़ना है तो और अच्छी मेहनत करो, और ज्यादा मेहनत करो। नोटबुक फाड़ के उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग। उसके बुक्स चुरा के फाड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग। तो जब कभी अच्छे मार्क्स से पास होते तो क्या बोलना अपने को? मुबारकबाद देना है। अच्छा पास हुआ मुबारक, अच्छे मार्क्स लाया मुबारक, रैंक लाया मुबारक, अच्छी राइटिंग है मुबारक, हैंडराइट अच्छी है मुबारक, अच्छी स्पीच देने हैं मुबारक, अच्छा बोल रहे हैं मुबारक, इंग्लिश बोल रहे हैं मुबारक। जो भी अच्छा काम करते क्या करेंगे उनको? हम मुबारक बोलेंगे इंशाल्लाह बेटा। करेंगे ना करेंगे इंशाल्लाह? दिल में जलन रखेंगे, मोहब्बत रखेंगे, आगे बढ़ने वालों से जलेंगे, हम भी मेहनत करेंगे। मेहनत करना बेटा, जलना नहीं, जले तो आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, जल के आगे नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके उसके बाद नेक्स्ट जो है कौन है पता आप लोगों को? सही नहीं लिखा है, जानबूझ के सही नहीं लिखा है। हाँ रहमान, क्या नाम लिखा हुआ है? खा 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 खलील रहमान। बोलो बेटा, पढ़ो बेटा। शाबाश, मैं अपने क्लास लीडर की बात मानूंगा। क्लास लीडर आप में कोई यहां है कोई? बाबा बाबा बाबा, क्या भाई लीडर बेटा यहां पर माशाल्लाह। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत बेटा। हाँ तो क्लास लीडर जो बोला हम क्या करेंगे? सुनेंगे। अगर हम क्लास लीडर बने तो उनको समझाएंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको सताएंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, चुप चुप शिकायत नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, चुप चुप नाम लिखते। बच्चे क्या करते मालूम, लीडर बनते ही तुम मेरी बात नहीं सुनता, नाम लिखो, चुप चुप उठेगी बैठे की मैडम ही न करे, मैडम ही न करे, अरे अरे दुश्मन उतार लेते उसमें। गलत बात, समझे ना, चुप चुप दुश्मन नहीं करना लीडर बन के, बल्कि इंसाफ करना बेटा। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा और उसके बाद वाला सेंटेंस कौन पढ़ेंगे पता आप? जावेद, कौन है जावेद? कोई जा, वाह क्या बात है माशाल्लाह। हाँ अच्छी तरह संभालने की,
कोशिश करूंगा, अगर मैं लीडर बना अच्छा सा मान लूंगा, लीडर नहीं बना तो उसकी बात मानूंगा, है ना बेटा? दोनों भी इसमें, मैं लीडर नहीं बना तो बात मानूंगा, अगर लीडर बना तो अच्छी तरह संभालूंगा, मोहब्बत संभालूंगा। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा उसके बाद वाला सेंटेंस, मोहम्मद मुनव्वर, मोहम्मद मुनव्वर, चिन्ना बेटा माशाल्लाह, वेरी गुड। चलो बेटा, साथ भी सुलूक करूंगा, वेरी गुड। खादिम मत किसको बोलते बेटा? खादिम आय अम्मा है, वॉचमैन है, काम करने वाले हैं, साफ सफाई करने वाले हैं, इनके साथ भी अच्छा सुलूक करना बेटा, समझे ना? हम उनको सलाम नहीं करते, हम उनको जो है बात नहीं करते, उनको झाड़ू देने वाले हैं तो बहुत ज्यादा हमें करते नहीं, अच्छा सुलूक करना, है ना बेटा? उनको अगर मुस्लिम है तो सलाम करना, और कभी कभी उनको छोटा गिफ्ट देना बेटा इंशाल्लाह, है ना? दे सकते ना हम लोग कभी गिफ्ट? दे सकते ना कि छोटा गिफ्ट दे सकते हम लोग? आय अम्मा है, छोटा गिफ्ट दे सकते हम लोग, 5 रुपए का चॉकलेट दे सकते, आय अम्मा आप आज आप खाओ आप, दे सकते। वॉचमैन है, वॉचमैन अंकल आज हम जो है आपके लिए चॉकलेट लेकर आए, वॉचमैन अंकल देना बेटा उनको, कितना अच्छा काम होता है अगर आप इंशाल्लाह। ऐसा नहीं करते हम लोग, ऐसा नहीं करते बेटा हम लोग, करेंगे ऐसे इंशाल्लाह, है ना? आय अम्मा को, आय अम्मा ये आपके लिए चॉकलेट है, वॉचमैन अंकल ये आपका चॉकलेट है। ऑटो में जा रहे हैं हम लोग, कभी कभी ऑटो के अंकल को, ऑटो अंकल आप हमको सेफ लेकर जाते, सेफ लेकर आते, ऑटो अंकल ये आपके लिए चॉकलेट है, माशाल्लाह क्या बात है। देखो आप जिस दिन आप ऑटो अंकल को चॉकलेट देंगे, कितने अच्छे अखलाक होंगे आपके माशाल्लाह। आप टैक्सी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बस के अंकल को, अंकल ये आपके लिए हमारा गिफ्ट है बेटा, जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमको गाड़ी में लेकर जाते लेकर आते, वो सबसे ईमानदार वो अपनी ड्यूटी को निभाते रहते माशाल्लाह, सबसे ईमानदार ड्यूटी वही निभाते। कैसा? मान लो जो है ये बस है, क्या है ये बस है, बस में कितने बच्चे बैठे रहते बोलो यारो, 50, 40, 30 बोलो, हाँ 50 बोलो समझो, ओके 50 बच्चे बैठे हुए, चलाने वाले कितने हैं? एक। अच्छा मान लो एक 5 किलोमीटर तक इनो बस लेकर जा रहे हैं स्कूल को पहुंचने के लिए, इस 5 किलोमीटर को फासले को तय करें कितना टाइम लगता है अंदाजा? जस्ट मान लो, ए क्या यारो भगाते क्या 80-90 पे बच्चों को, कैसे गली में कैसे ले जाना पड़ता, आधा घंटा मान लो, ओके आधे घंटे पूरे बच्चों को ले क्या करते इनो, आधे घंटे के अंदर उनो एक दो झोंके मारे ऐसा, तो गाड़ी कहां जाती? कहां जाती? हाँ, फिर हम सब कहां जाते? दवाखाने को जाते। अगर ये ड्राइवर अंकल 10 सेकंड के लिए भी अगर सो गए तो, 10 सेकंड ओनली 10 सेकंड अगर सो गए तो पूरे खत्म, यानी किसी को टक्कर देके खत्म, गाड़ी खलास होती। मतलब एक ड्राइवर अगर 10 सेकंड भी गाफिल हो गया तो गाड़ी हमारी पूरी कहां जाने वाली है? पूरे लोगों या तो कुछ कब्रिस्तान, कुछ दवाखानों जाती। एक आदमी रात में ड्यूटी, मतलब बड़ी वो क्या बोलते हैं उसको, यहां से हैदराबाद गाड़ी लेकर जा रहा हूं, गरुड़ा लेकर जा रहा, और बस में कितने पैसेंजर बैठे हुए? 70 पैसेंजर बैठे हुए। अभी रात के 8 घंटे चला रहा बेचारा ड्राइवर, कितने घंटे चला था? 8 घंटे चला, 6 घंटे चला। उस 6 घंटे के अंदर भी अगर 6 सेकंड सो गया तो, 6 सेकंड भी सो गया तो खलास, पूरे पूरे मतलब समझना बेटा, तो गोया। लेकिन एक 6 सेकंड भी वो गाफिल नहीं होता ड्राइवर, 10 सेकंड भी गाफिल नहीं होता ड्राइवर, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदारी की ड्यूटी अदा करने वाला ड्राइवर है। टीचर 10 मिनट सो गया तो क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होता। वॉचमैन आधा घंटा सो गया तो क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर आधा घंटा सो गया क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर ड्राइवर अगर सो गया 10 मिनट तो या तो दवाखाने को या तो कब्रस्तान को। तो बेटा जो भी हमारे ड्राइवर अंकल है, आप लोग एक गिफ्ट देना बेटा, हक बनता बेटा इंशाल्लाह। बेटा उनकी कदर करो बेटा, उनकी कदर करो। हम लोग ड्राइवर्स की कदर नहीं करते,
उनको रेस्पेक्ट नहीं देते हम लोग, उनको ज्यादा इज्जत नहीं देते हम लोग, देना चाहिए बेटा, देंगे बेटा इंशाल्लाह आपसे आज, आओ ये आपका चॉकलेट है इंशाल्लाह, खलास ये आपका चॉकलेट है। यस, क्या नाम आपका? मुनव्वर। मुनव्वर भाई को ये छोटा मोटा मुंह मीठा कर रहे हैं हम माशाल्लाह, इधर देखो। यस बेटा, चॉकलेट बारकलाफ बेटा। तो बेटा तो इस तरह जो है हम अच्छा सलूक करेंगे इंशाल्लाह, ओके। तो अब नमाज का ब्रेक होने वाला है इंशाल्लाह, नमाज के बाद फिर क्लास होना या खा के पीकर निकल जाना अपने, ईमानदारी से बोलो तुम लोग, हो ना नहीं होना बोलो तुम लोगों को, पक्का ना? पक्का, ठीक है इंशाल्लाह, ओके। चलो सुभानक अल्लाहुम बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा ऐसे महीने में एक बार होना आप लोगों को, महीने में एक बार दबा, और आगे होना आप लोगों को, पक्का ना इंशाल्लाह? होना बोले तो रखते, नहीं तो नहीं रखते। पांच मिनट और बेटा देखो, बैठो बेटा। हाँ बेटा, ये किताब है मेरा प्यारा दीन, ओके। ये मेरा प्यारा दीन है, इसमें बेटा अकीदा, यानी देखो पूरे डिजाइन के साथ, पूरे हर चीज में डिजाइन, नो देखो क्या मतलब, फ्रूट्स, ओ जनाजा, ये मस्जिद, ये वो। तो इसमें ये बुक जो है ना, अकीदा भी है, सीरत भी है, हदीस भी है, दुआएं भी है, सूरतें भी है, आदाब भी है, स्टोरी सब इसमें है माशाल्लाह। तो ऐसी किताब आप लोग खरीदो और इस किताब को आप पढ़ो माशाल्लाह, मकतब में भी यहां पर रखो, अपने घरों में रखो माशाल्लाह, समझे ना। अच्छा इसी तरह और एक किताब भी है दुआओं की, ओके, ये दुआओं की किताब है, इसको भी आप लोग जो है ले सकते और पढ़ सकते इंशाल्लाह। अगर आपको ऐसी किताबें होना तो इंशाल्लाह मस्जिद के जिम्मेदार मंगाते और आप लोग इनसे ले सकते इंशाल्लाह, ओके बेटा। ये सारी किताबें किसके लिए बनाएंगे हमने? बच्चों के लिए बनाए। और एक किताब जबरदस्त बनाए हम माशाल्लाह, ये देखो बेटा, ये किताब ऐसी किताब है, हा इसमें हम फ्यूचर में क्या क्या बनना चाह रहे हैं उसमें हम सिखा रहे हैं। इसमें मैं मिसाली बेटा बनूंगा, आज हम इसका एक छोटा पार्ट पढ़ रहे हैं इस किताब का। अब जो पढ़े ना, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। वैसे मैं बड़ा होकर आलिम बनूंगा, मैं मौलिम बनूंगा, टीचर बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं लीडर बनूंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, इतने पार्ट आने वाले हैं माशाल्लाह। अगर चाहे तो इतने वर्कशॉप हम रख सकते हैं माशाल्लाह। ये किताब भी प्रिंट होने वाली इंशाल्लाह बेटा, बहुत जल्द प्रिंट होने वाली किताब इंशाल्लाह। तो जब ये प्रिंट होगी ना तो सबके हाथों में बुक आ सकती है इंशाल्लाह, ओके बेटा। दुआ करो आप सब लोग इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस बुक को जल्दी प्रिंट करने की हमको अल्लाह ताला क्या करे, तौफीक अता फरमाए, जल्दी इस बुक को हम प्रिंट करने की तौफीक अता। अगर ऐसे बुक प्रिंट हो गई तो उम्मत के हर बच्चे काम आने वाली बुक है माशाल्लाह, उम्मत के हर बच्चे की जिंदगी संवर सकती। जैसा ये इस किताब का एक पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसे आठ पार्ट हैं। ताजिर, मैं बिजनेसमैन बनूंगा तो क्या क्या करूंगा इसमें है, मैं डॉक्टर बनूंगा तो क्या क्या करूंगा इसमें है, जिस तरह मिसाली बेटा बनूंगा तो क्या क्या करूंगा, जैसा ऐसा है ना इसमें, ऐसी बातें सब है। आप दुआ करो अल्लाह ताला इस किताब को जल्दी प्रिंट करने की हमको तौफीक अता फरमाए। अब अज़ान होने वाली है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कमेटी से गुजारिश है कि भाई इस किताब को अगर प्रिंट करके अगर इंशाल्लाह जो है उम्मत के बच्चों को अगर आप वक्फ करेंगे तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा काम होगा इंशाल्लाह। यानी इस किताब को अगर हम 2000 अगर प्रिंट कर रहे हैं तो लगभग 1,90,000 इसका इसकी किस कॉस्ट आ रही है। जो लोग जितना भी इसमें पार्टिसिपेट होते रहेंगे, अगर हम सब मिलकर अगर हम इस किताब को प्रिंट करेंगे तो यहाँ के बच्चों को भी काम आने वाला है, अदर सिटीज के बच्चों को काम आने वाला है, पूरे इंडिया के बच्चों को हम काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। कमिटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये भी जो है इसमें आगे बढ़ाएं, और आप लोगों में से कोई आगे बढ़ना चाहता आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपके दोस्त अहबाब कोई भी है अगर आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं प्रिंट करने के अंदर तो आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। एक किताब को प्रिंट करने के लिए 100 रुपए हो रहे हैं, तो कोई 10 किताबें ले सकता है, कोई 20 किताबें, कोई 100 किताबें, कोई 200 किताबें लेकर भी जो है, कोई जो है 500 किताब लेके ऐसा भी जो है हिस्सा लेके इस किताब को प्रिंट करने के लिए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अभी नमाज होगी, उसके बाद नमाज होगी, उसके बाद
खाने का इंतजाम होगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर इंशाल्लाह छोटा सा ब्रेक होगा। जो लोग है कोई भी नहीं जाना चाहिए, हाँ हाँ भाई, इसके बाद भी क्लास होने वाली इंशाल्लाह, खाने के बाद बैठिए आप लोग, ठीक है ना बेटा? ओके माशाल्लाह। दो बजे बोलते हैं, हाँ दो बजे बोलते हैं। तमाम भाइयों से दरख्वास्त है जो मस्जिद के अंदर हैं, इंशाल्लाह अभी अजान होगी, फिर जमात होगी एक बजे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर खाना रहेगा, खाने के बाद आप नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, दो बजे से फिर क्लास शुरू हो जाएगा। इसलिए आप तमाम भाई की दरख्वास्त है दुरुस्तों से फारिग हो जाए, वजू कर लें, इंशाल्लाह अजान होगी, फिर जमात होगी। हर आदमी अपना पेन और इसी तरीके से जो उसका PDF है और जो आपको कॉपी दी गई है वो अपनी अपनी जगह पर अपनी हिफाजत में रख लें। वजह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।